टुडे। तो आज हमसे मिलने कौन आए हैं? श्री श्री सीता राम लक्ष्मण हनुमान जय। सीता राम लक्ष्मण हनुमान जी फ्रॉम ईस्ट ऑफ कैलाश, फ्रॉम ईस्ट ऑफ कैलाश दिल्ली। यस यस एंड आर दे ऑल सो ब्यूटीफुल, कितने सुंदर लग रहे हैं ना माता जी। बहुत ज्यादा सुंदर है। हाँ यस रेनबो। हाँ यस राधा रानी का जो ड्रेस है बिल्कुल ऑल कलर्स उसमें ग्रीन, सॉरी सीता के जो सीता, हाँ सीता रानी, सीता का जो ड्रेस है उसमें ग्रीन है, येलो है, पिंक है, पर्पल है, ब्लू है, वेरी ब्यूटीफुल है ना। बिग बिग फ्लावर्स हैं बैकग्राउंड के अंदर भी। यस यस और राम जी और लक्ष्मण जी के पास उनका बो भी है। हाँ राइट एब्सोल्युटली। और ये शायद विंटर्स की पिक्चर है, सो यू कैन सी कि उनके फुल जो अपर है वो भी फुल स्लीव के हैं, जैसे किसी डिवोटी ने हैंड हाथ से उनके ऊपर के स्वेटर्स बनाए हैं। कितने सुंदर है ना, ऑरेंज और ग्रीन कलर के। हाँ क्योंकि विंटर्स की पिक्चर है एंड सम डिवोटी हैज मेड दी स्वेटर विद सो मच ऑफ लव। कितने सुंदर लग रहा है ना, ऑरेंज एंड ग्रीन कलर, वेरी ब्यूटीफुल। यस माता जी शॉल भी दिख। हाँ यस यस जी, यहाँ पे लक्ष्मण जी के पास जो उनका तीर है उसके वहां पे कृष्ण जी का नाम भी लिखा हुआ है। हाँ अरे हाँ यस यस यू राइट, नीचे कृष्ण जी का नाम लिखा हुआ है। हियर आई एम नॉट एबल टू सी। हियर यू आर एबल टू सी जी, वो बुक है। हाँ वो आई थिंक कृष्णा बुक है, यू आर राइट। Yes, और यहाँ भगवत गीता भी है शायद, यहाँ ये जो एलिफेंट के पीछे है ना, सीता के नीचे दूसरी साइड पे भी सीता मैया के नीचे भी भगवत गीता है। हाँ ये भी भगवत गीता है। हरि बोल, इट्स एन ऑफरिंग ऑफ भगवत गीता एंड कृष्णा बुक टू द लॉर्ड। आई थिंक वो दिसंबर में बुक मैराथन होता है ना, सो बेसिकली वी डिस्ट्रीब्यूट भगवत गीता, सो उस बुक मैराथन से पहले आई थिंक भगवान को ऑफर करा गया है भगवत गीता एंड कृष्णा, एंड एवरी डिवोटी मस्ट हैव प्रेड कि डियर लॉर्ड प्लीज ब्लेस अस सो दैट वी कैन डिस्ट्रीब्यूट द नॉलेज दैट कृष्णा गेव टू एवरीवन, बिकॉज एवरीवन नीड्स दिस नॉलेज है ना, सो दैट एवरीवन बिकम्स हैप्पी, नोबडी हैज टू बी सैड है ना। हम सैड कब होते हैं, जब हम अपनी बॉडी से रिलेट करते हैं, जब हम इल्यूजन में होते हैं, बट वेन वी अंडरस्टैंड दैट वी आर द सोल एंड नॉट द बॉडी एंड वेन वी अंडरस्टैंड that the topmost yoga is bhakti yoga, then we are not sad. Despite of ki koi bhi circumstances ho, tam dukhi nahi hote. Jaise Bhagwan Shri Krishna second chapter mein batate, matra sparshastu kaunteya shitoshna sukha dukhada agam paaye no nityas tam stitakshva bharata. To Arjun ko bolte hai ki, hey Arjun, jo ye temporary happiness and distress hai na, it is just like winter and summer season. तो विंटर में ऐसा नहीं है कि जब सर्दियाँ होती है तो हम नहाना बंद कर देते हैं, या गर्मी होती है तो मम्मी कहती है नहीं नहीं आप बहुत गर्मी है, मैं तो खाना नहीं बना सकती, तो बिना खाने के रहो, इतना पसीना आता है किचन में जाकर, ऐसे नहीं होता ना। तो जब समर और विंटर सीजन होता है तो हम अपनी सारी ड्यूटीज वैसे ही करते हैं। विंटर्स में भी आप लोग सुबह सुबह ठंडी में स्कूल जाते हो, समर्स में भी अगर आपको खेलने जाता है तो आप धूप में भी खेलने, शाम को गर्मी होती है तब भी फिर भी आप खेलने जाते हो। सो बेसिकली जब हम समर विंटर वेकेशन में अपनी ड्यूटीज नहीं छोड़ते, उसी तरह भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि जैसे समर्स और विंटर्स है वैसे हैप्पीनेस और डिस्ट्रेस को लेकर यू डोंट गेट वरीड, यू शुड डिस्चार्ज योर ड्यूटीज इन बोथ सिचुएशन, वेदर यू हैप्पी और वेदर यू आर डिस्ट्रेस। ओके okay, so we'll do pranam mantra. So Ayushman Prabhuji, do you want to do Srila Prabhupada pranam mantra? Yes ma'am. Yes, Srila Prabhupada pranam mantra. Namo Vishnu Padaya Krishna Prishthaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swamin Iti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine निर्विशेष शून्यवादी पश्चात देश तारिणे। हरि 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 बोल, थैंक यू सो मच आयुष्मान प्रभु जी। निशिका माता जी, डू यू वांट टू डू राधा रानी प्रणाम मंत्र बेटा? सॉरी कृष्ण प्रणाम मंत्र, यस सॉरी सॉरी सॉरी, यस यस। हे कृष्ण पुरांगु सिंधु दीपंदु जगतपति गोपिका गोपिका कांता राधा कांता नमो तुते। हरि 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 बोल, थैंक यू सो मच निष्का माता जी।
And Sheetal Mataji, will you be doing the Radharani Pranam Mantra? Sapta Kanchan Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vishvanu Sute Devi Pranamami Hari Priya. Hari Bol. Thank you so much, Sheetal Mataji. And now we can, all of us can do the Panchatattva Mantra and the Hare Krishna Mantra. Jai Shri Krishna Chaitanya Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasari Gaur Bhaktavrinda. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Hare. Bol. Thank you so much. So we'll do a quick recap. I feel like we are doing a kirtan. हाँ यस आई नो इट्स ऑल मेलोडियस कृष्णा के जो नाम है इतना इट्स फुल ऑफ रस इट हैज सो मच ऑफ स्वीटनेस कैसे लगता है कि इट्स इन ये म्यूजिक टू द ईयर ऐसा लगता है कि कीर्तन कर रहे हैं हम है ना यस So we'll do a quick recap. अब आज हम करेंगे chapter 12th. हम यानी 11 chapters हम complete कर चुके हैं. So यानी हमने अपनी out of 18 chapters हमने कितनी journey complete कर लेंगे आज? आज हम 2/3 of our journey will complete. फिर only 1/3 of the journey will be left. ठीक है जी? हाँ जी बेटा. Yes. Name devotional service है ना? हाँ. Yes. तो कन्हा माता जी आज के chapter का नाम है devotional service. और आज का chapter है वो है जो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताने कि इट इज टॉप मोस्ट यानी कि ज्ञान योग ध्यान योग कर्म योग से भी टॉप मोस्ट है भक्ति योग सबसे ऊपर स्थान आते हैं भक्ति योग का यानी कि डिवोशनल सर्विस तो वो आज हम करने वाले ठीक है डिवोशनल सर्विस ठीक है इंक्लूडिंग माई सेल्फ Okay, so do you want me to keep the chapter name on the screen or can I stop sharing? Mataji, please. You can stop sharing. Okay, yes, okay. You might, you, if you want, you can take a quick screenshot of the this thing. Okay? Actually, I've written the thing, so give me my copy. Perfect, very nice. Okay, so we'll do chapter one. Observing the allies on the battlefield of Kurukshetra. Hari 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 Bol. Now we have chapter 2. Contents of Gita summarized. Perfect. Contents of Gita summarized. Chapter 3. Karma Yoga. Hari Hari Bol. Chapter 4. Transcendental knowledge. Yes, transcendental knowledge. Chapter 5. Karma Yoga, Krishna consciousness. Yes, Hari Bol. This is the biggest name of the chapter after the first chapter, right? Then we have chapter 6. Dhyan Yoga. Perfect. Chapter 7. Knowledge of the absolute. Perfect. Chapter 8. Attaining the supreme. Yes, attaining the supreme. Perfect. Chapter 9. The most confidential knowledge. The most confidential knowledge. Chapter 10. The opulence of the absolute. जो अभी हमने करा ऑपुलेंस ऑफ द एब्सोल्यूट और है चैप्टर नंबर 11 जो हमने कल करा था विच इज यूनिवर्सल फॉर्म यस भगवान के यूनिवर्सल फॉर्म जो हमने कल देखा था जो हमने इमेजिन भी करा था और देखा था कि अर्जुन ने भगवान के यूनिवर्सल फॉर्म को कैसे डिस्क्राइब करा ठीक है सो आज का हमारा चैप्टर का नेम है
डिवोशनल सर्विस. सो डिवोशनल सर्विस बहुत तरह तरह की होती है डिवोशनल सर्विस, ठीक है. सो हम इसको ऐसे कह सकते हैं डिवोशनल सर्विस, डिवोशनल सर्विस. इसको अब डिवोशनल सर्विस बहुत बहुत टाइप की होती है, जैसे आरती, वो अगरबत्ती और यस और पुष्प और दिया, सो वी कैन से डिवोशनल सर्विस बिकॉज वी आर डूइंग सर्विस. यस ओके. सो लेट्स डू वन थिंग, लेट मी क्विकली शेयर माय स्क्रीन. So chapter 12 is devotional service. Now, what are the kinds of devotional service? Agar let me ask you ki devotional service kaun kaun si tarah ki hoti hai? When we say devotional, jaise ek pani mata ji ne bataya. Ha, jaise Krishna ka mata ji pani mata ji aarti karna. Mata ji hum Krishna ke liye koi bhi cheez banate hain to. Ha, hum Krishna ke liye koi bhi cheez banate hain. Chanting karna. आरती करना, वृंदा माता जी, यस परफेक्ट. और एक एक्टिविटी आप सब लोगों ने करी थी जब आपने फ्लावर से या पेपर से बनाया था, गार्लैंड मेकिंग. यस यस. और जैसे कि आप सब लोगों ने वो जो वीडियो बनाया अपने ऑफरिंग का, दैट इज ऑल्सो अ सर्विस, क्योंकि वो जो आपने अपने जो भोगा बनाया वो भी है, उसकी वीडियो बनाकर देन यू सेंडिंग टू एवरीवन सो दैट एवरीवन गेट्स इंस्पायर्ड. माता जी और दो तरह की हम और भी डिवोशनल सर्विस कह सकते हैं, उपस्थिति और उपास. हाँ यस यस एब्सोल्युटली. और डे टू डे लाइफ में क्या क्या डिवोशनल सर्विस हो सकती है, अगर हम बेसिक सोचे कि हम पूरे दिन से सुबह से ले तक रात तक हम क्या क्या डिवोशनल सर्विस कर सकते हैं, जैसे कि हम अपने हर काम के बीच में सेंटर में कृष्णा को सेंटर में रखते हैं, रीडिंग भगवत गीता इज आल्सो डिवोशनल सर्विस. सुबह उठकर कौन प्लांट्स में पानी डालता है, प्लांट्स में पानी डालते हैं, मम्मा का काम है प्लांट्स में पानी डालना. कृष्णा के लिए गिफ्ट बनाना. सो प्लांट्स में हम जब तुलसी मैया को वाटर ऑफर करते हैं, दैट इज ऑल्सो डिवोशनल सर्विस, ठीक है. और हम जब भगवान को तुलसी लीफ ऑफर करते हैं, दैट इज ऑल्सो डिवोशनल सर्विस, क्योंकि भगवान कहते हैं ना पत्रम पुष्पम फलम तोयम योमे भक्तिया प्रचित, तो वो जो पत्रम बोल रहे ना वो दैट इज तुलसी लीफ. द लॉर्ड बिकम्स वेरी प्लीज्ड व्हेन वी ऑफर तुलसी लीव्स टू द लॉर्ड. माता जी जैसे हम भोग ऑफर कर सकते हैं भगवान जी को. यस यस. और जब हम इन्हें मॉर्निंग में रेडी करते हैं, स्नान करवा के उनको वस्त्र पहनाते हैं, वो भी एक डिवोशनल सर्विस. यस वो भी डिवोशनल सर्विस है. यस जब हम भगवान को सुबह स्नान करते हैं और रात को उनको सुलाते हैं तो उनका शयन करते हैं, दैट इज आल्सो डिवोशनल सर्विस. Say that again, Madhav Prabhu ji. Shringar karna, yes, yes. Thinking of Krishna, yes, Nishika Madhav ji. Arav Prabhu ji, right. Jab hum Bhagwan ka Shringar karte, that is also devotional service. Jab hum kisi ko, ha, go ahead, beta. Madhav ji, jaise hum log classes sunte hain ya fir books reading karte hain. Madhav ji, jaise hum jab Bhagwan ko let ke dandavat pranam karte hain. या फिर दर्शन करते हैं तो परफेक्ट. यस भुवनेश प्रभु जी, जब हम दर्शन करते हैं और जब हम दंडवत करते हैं, क्योंकि हाँ यस, क्योंकि भगवान कहते हैं कि मुझे प्रणाम करो. भगवान बहुत सारे श्लोकों में ये बोलते हैं कि मुझे प्रणाम करो, मेरे बारे में सोचो. सो यस भुवनेश प्रभु जी एंड यस ऋषिका माता जी ने भगवान को की ड्रॉइंग करते हैं, सो दैट इज डिवोशनल सर्विस. सेंटर में रखकर काम करना. यस माता जी, जब हम कीर्तन करते हैं, जब हम कीर्तन करते हैं. और अदिति माता जी ने बताया जब हम श्रवणम करते हैं और रीडिंग करते हैं, दैट इज आल्सो फॉर्म ऑफ श्रवणम. सो जब हम श्रवणम करते हैं, जैसे आप सब लोग अभी कर रहे हो, ऑल ऑफ यू आर हियरिंग, व्हेन वी एसोसिएटिंग विद द डिवोटीज, दैट इज आल्सो डिवोशनल सर्विस, है ना. और हम अगर सिंपल सी चीजें, अगर हम किसी को हरे कृष्णा भी बोलते हैं तो वो भी डिवोशनल सर्विस है, क्योंकि हम किसी को हरी हरी के बारे में बता रहे हैं, भगवान के नाम के बारे में बता रहे हैं, क्योंकि भगवान और भगवान के नाम में कोई अंतर नहीं है. भगवान का नाम और भगवान अभिन्न है, है ना माता जी. और हाँ? जब हम डांसिंग करते हैं भगवान के नाम पे, जब हम डांस करते हैं कीर्तन में डांस करते हैं, इट इज द मोस्ट ब्लिसफुल डांसिंग.
मतलब माय पर्सनल एक्सपीरियंसेस कि हम जब बॉलीवुड के सॉन्ग पे डांस करते हैं वो मे बी टेम्पररी हैप्पीनेस देता है, बट व्हेन यू डांस फॉर द लॉर्ड इट गिव्स परमानेंट ब्लिस इन द हार्ट, इट गिव्स परमानेंट हैप्पीनेस। माता जी जब हम प्रसाद पाते हैं टेंपल से ना, क्योंकि जब भगवान का प्रसाद होता है दैट इज लॉर्ड्स मर्सी, वो भगवान की दया होता है भगवान के। हाँ, बनाना और प्रसाद को पाना इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब प्रसाद पाते हैं तो हमारी प्योरिफिकेशन होती है। शिला प्रभुपाद ने इतने सारे जो डिवोटीज, इतने सारे जो हिप्पीज थे उनको हैप्पीज कैसे बनाया, सिर्फ प्रसादम देके, गुलाब जामुन अपने हाथों से गुलाब जामुन बनाकर उनको भोगा लगाकर उनको हिप्पीज को खिलाया। जैसे जब हम भगवान जी का श्रृंगार करते हैं या फिर उनका प्रसाद ग्रहण करते हैं। यस यस, जैसे भगवान को प्रसाद ग्रहण करते हैं, उनका श्रृंगार करते हैं, तो कुछ भी हम ऐसा करते हैं जिसमें भगवान के बारे में सोच रहे हैं दैट इज ऑल डिवोशनल सर्विस। ठीक है, सो डिवोशनल सर्विस इज वेरी इजी ना, इट इज नॉट डिफिकल्ट, इट इज एनीथिंग दैट वी डू इन द मॉर्निंग फ्रॉम मॉर्निंग टू एंड। अगर हम किसी को कृष्णा के बारे में बताते हैं, कृष्ण को कृष्णा की स्टोरी बताते हैं, पास्ट टाइम्स बताते हैं, दैट इज ऑल्सो डिवोशनल सर्विस। आप पढ़ते हो, आप पढ़ रहे हो और बीच बीच में लेट से पढ़ते पढ़ते आप हरे कृष्णा बोल रहे हो, हरे कृष्णा का हरे कृष्णा महामंत्र सुन रहे हो, कोई भी डिवोशनल सॉन्ग सुन रहे हो, दैट इज ऑल्सो डिवोशनल सर्विस। ठीक है, सो डिवोशनल सर्विस is not out of the box. ऐसा कि नहीं कि devotional service सिर्फ मंदिर में ही होता है। devotional service का मतलब है कि पूरे दिन अपनी normal life में सुबह से लेकर रात तक आप कुछ भी करो, अगर आप भगवान को center में रखो करोगे तो every activity becomes devotional. Every activity. सोने से पहले अगर हम सबको बोलते हैं गौरांगा नाइट, that is also devotional service, क्योंकि हमने गौरांगा का नाम लिया और सबको सबको बोल रहे हैं कि have a गौरांगा नाइट, है ना। So some of the devotional service, like we all discussed, is doing kirtan, is making garland, जैसे आप सब बोले garland बनाया था, offering bhoga to Krishna, doing aarti. So these are some of the devotional service. Okay, so we've just discussed these types of devotional service and we have an activity at the end related to it. ठीक है, so let's see what does Krishna tells Arjun about it. माता जी, हाँ जी, यस अदिति माता जी, माता जी जैसे जब हम लोग धाम यात्रा पे जाते हैं वहाँ पे दर्शन करते हैं या फिर क्लास लेते हैं किसी प्रभु जी की तो भी हो गया। हाँ यस एब्सोल्युटली, धाम यात्रा, वेरी नाइस अदिति माता जी, कंप्लीटली फॉर, जब हम धाम पे जाते हैं वृंदावन जाते हैं या किसी भी धाम यात्रा पे जाते हैं, मायापुर धाम जाते हैं, हाँ हरिद्वार जाते हैं, कहीं भी जाते हैं इस पर्पज से जाते हैं कि ये धाम है, भगवान का धाम है, तो वो डिवोशनल सर्विस बन जाते हैं। जब हम हरिद्वार भी जाते हैं, जब हम गंगा मैया में स्नान भी करते हैं इस भाव से कि भगवान के चरणों से निकली हुई अमृत है, चरणामृत है भगवान का, तो वो डिवोशनल सर्विस बन जाता है। अगर हम गंगा में स्विमिंग करने के लिए जाते हैं, ओ मेरे को स्विमिंग करना आता है, वाओ मैं स्विमिंग करूंगा, तो वो डिवोशनल सर्विस नहीं है। बट डिवोशनल सर्विस इज व्हेन वी गो विद द हार्ट, विद द इंटेंट कि ये जो गंगा मैया है ये भगवान के चरणों से निकली हुई है एंड शी इज ऑल प्योरिफाइंग, सो दैट बिकम्स डिवोशनल सर्विस। ठीक है, ओके, सो वील स्टार्ट विद द फर्स्ट श्लोक। सो अर्जुन इज बेसिकली आस्किंग कृष्णा, अर्जुन इज सेइंग एवं सतता युक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चापक्षरम अव्यक्तम तेषां के योग विक्तमा। ओ सॉरी आई फॉरगॉट, मोहित प्रभु जी यू हैड टू रीड, मोहित प्रभु जी आप रिसाइट करोगे श्लोक को। अर्जुन आस्किंग, अर्जुन कृष्णा से क्या पूछ रहे हैं, व्हाट इज ही इंक्वायरिंग, यू नो व्हाट इज हिज कंसर्न। सो कैशिश माता जी आप पढ़ोगे एक बार इंग्लिश वाला, मीन इंग्लिश या हिंदी में से कोई भी पढ़ोगे बेटा। हाँ जी माता जी, माता जी हिंदी में पढ़ लो। हाँ हाँ हाँ, हिंदी में पढ़ लो डेफिनेटली।
अर्जुन ने पूछा, जो आपकी सेवा में सदैव तत्पर रहते हैं या जो अव्यक्त निर्विशेष ब्रह्म की पूजा करते हैं, इन दोनों में से किसे अधिक पूर्ण सिद्ध माना जाए? हाँ, परफेक्ट कशिश माता जी. सो अर्जुन पूछ रहे हैं कि दो तरह के लोग हैं, एक जो आपकी सेवा में हमेशा लगे रहते हैं और एक जो आपके आपको निराकार मानकर आपकी पूजा करते हैं, तो दोनों में से टॉप मोस्ट कौन सा है, दोनों में से कौन कौन बड़ा है? ठीक है, ओके, विल रीड द इंग्लिश मीनिंग. वाणी माता जी, आप इंग्लिश वाला मीनिंग पढ़ोगे बेटा? यस माता जी. यस. अर्जुना इंक्वायर्ड व्हिच आर कंसीडर्ड टू बी मोर परफेक्ट, दोज हु आर ऑलवेज प्रॉपर्ली एंगेज्ड इन योर डिवोशनल सर्विस और दोज हु वर्शिप द इंपर्सनल ब्रह्मन. माता जी, इसके ऊपर ना वो टेक्स्ट. हां हां, सॉरी, लेट मी गो टू द नेक्स्ट पेज. अब दिख रहा है बेटा? नहीं माता जी, नहीं ये दिख रहा. अच्छा ठीक है, गॉट. नहीं माता जी, वो एक्चुअली, हाँ मैं समझ गई, वो नीचे आ रहा है ना. हाँ, यस, लेट मी रिड्यूस द फॉन्ट. अब दिख रहा है कि बहुत छोटा हो गया? यस माता जी, अब दिख रहा है. हाँ. Who worship the impersonal Brahman, the unmanifested. Yes, perfect. Hari 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 Bol. Okay. Thank you, Mita. Vrinda Mataji, would you read the English or Hindi meaning again, beta? Yes, Mataji. Arjun inquired which are considered to be more perfect, those who are always properly engaged in your devotional service, or those who worship the impersonal Brahman, the unmanifested. Unmanifested. Perfect. Ayushman Prabhuji, aap Hindi wale ek bar aur padh doge, beta? Yes, ma'am. अर्जुन ने पूछा, जो आपकी सेवा में सदैव तत्पर रहते हैं या जो अव्यक्त निर्विशेष ब्राह्मण की पूजा करते हैं, इन दोनों में से किसे अधिक पूर्ण सिद्ध माना जाए? हाँ, हरी बोल. थैंक यू सो मच अर्जुन प्रभु जी. सो बेसिकली कृष्णा पूछ रहे हैं कि दो तरह, सो इस क्वेश्चन से वो बता रहे हैं कि दो तरह के लोग हैं, और पहले भी भगवान ने बताया था कि दो तरह के लोग हैं. एक जो ब्रह्मांड की पूजा करते हैं, यानी कि जो सोचते हैं कि भगवान है तो, पर भगवान का कोई रूप नहीं है, भगवान का कोई फॉर्म नहीं है, भगवान इज ब्रह्म ज्योति, यानी वो लाइट है भगवान सिर्फ. तो अर्जुन पूछ रहे हैं कि दोनों में से सर्वश्रेष्ठ कौन है, हु इज द टॉप मोस्ट? क्या वो सबसे बड़ा है जो आपकी भक्ति करता है, आपकी भक्ति में सर्विस करता है, डिवोशनल सर्विस करता है? जैसे अभी हमने स्टार्टिंग में देखा था कि क्या क्या डिवोशनल सर्विस होती है ना, यानी कि जो अपना सारा कार्य आपको याद करते हुए करता है. कौन से आपको किस तरह याद करता है? आपके श्याम सुंदर रूप को याद करता है ना, जो ये जानता है कि हु इज गॉड, कृष्णा इज गॉड, यू नो, हु नोज दैट कृष्णा विद श्याम सुंदर फॉर्म इज गॉड. तो वो इंसान जो आपके श्याम सुंदर फॉर्म को याद करते हुए अपना सारा कार्य करता है, वो टॉप मोस्ट है? या वो ज्यादा टॉप मोस्ट है जो आपकी ब्रह्म ज्योति में मेडिटेट करता रहता है, हमेशा उसमें ध्यान लगाता रहता है, उसी के बारे ब्रह्म ज्योति में मेडिटेट करके अपना सारा कार्य छोड़ देता है? ओके, सो लेट्स सी कृष्णा इसके बारे में क्या बताते हैं कि हु इज द टॉप मोस्ट. माता जी, वो चाहे एज अ लाइट, वो मतलब उसमें वो विश्वास करते हैं, बट मैम वो लाइट भी तो कृष्णा जी होंगे. हाँ, वो लाइट भी कृष्णा है. एक्चुअली भगवान कृष्ण के तीन रियलाइजेशन फॉर्म होते हैं, एक तो लाइट, एक परमात्मा और एक भगवान का श्याम सुंदर फॉर्म. तो कुछ लोग ये मानते हैं कि भगवान है, क्योंकि अगर सृष्टि है तो सृष्टि भी किसी ने बनाई है, पर वो ना एक लाइट है, दैट इज ही इज जस्ट ओनली लाइट, बिग बैंग थ्योरी, सब कुछ यू नो ऐसे ब्लास्ट हो गया, सब कुछ बन गया. तो कुछ तो पावर है, पर वो कोई ऐसे रूप नहीं है उनका, वो सिर्फ एक ब्रह्म ज्योति है. कुछ लोग मानते हैं कि हाँ भगवान है, पर वो हमारे हृदय में परमात्मा रूप जितने ही हैं और कुछ नहीं उससे आगे. और कुछ लोग हैं वो ये जानते हैं कि भगवान जो है वो भगवान कृष्ण है, ही हैज अ श्याम सुंदर फॉर्म. सो ये तीन भगवान के ही रूप है. सो भगवान जो कृष्णा है, भगवान जो हमें पता है कि कैसे भगवान महाविष्णु में, भगवान महाविष्णु में एक्सपैंड होते हैं, महाविष्णु से गर्भोदक्षय विष्णु में एक्सपैंड होते हैं, गर्भोदक्षय विष्णु से शिरोदक्षय विष्णु में एक्सपैंड होते हैं, और शिरोदक्षय विष्णु हमारे हार्ट में परमात्मा रूप में आते हैं. और जो थर्ड टाइप के लोग होते हैं, वो ये सोचते हैं कि भगवान
कि ना एक ब्रह्म ज्योति है, तो वो ब्रह्म ज्योति क्या है, वो भगवान के शरीर से निकलने वाली इफल्जेंस है। तो ऐसे लोग वो होते हैं, जैसे कि कभी आपने लिटिल कृष्णा में देखा होगा कि जब भगवान राक्षस को मारते हैं तो कुछ कुछ राक्षस उनकी एक लाइट बनकर उनके अंदर मर्ज हो जाते हैं ना, जैसे भगवान ने जब बकासुर को मारा था तो वो लाइट बनकर भगवान के अंदर ही मर्ज हो गया था। तो वो लोग होते हैं, तो वो ब्रह्म सोचते हैं कि भगवान सिर्फ एक ज्योति है, तो वो ऐसे लोग भगवान के अंदर मर्ज हो जाते हैं, उनकी एग्जिस्टेंस खत्म हो जाती है अंदर अंदर आकर, ठीक है। और ऐसे होते हैं आप, हाँ यस बेटा, जैसे माता जी फिलोसफर्स होते हैं जो भगवान में बिलीव करते हैं बट एज अ लाइट बिलीव करते हैं। हाँ, और ऐसे भी लोग होते हैं जो स्पिरिचुअलिटी में यकीन करते हैं पर वो आधी नॉलेज के साथ करते हैं, जैसे कि निरंकारी, एक 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 कभी आप, आई डोंट नो इफ यू हैव हर्ड ऑफ निरंकारी। सो निरंकार घर के सामने है। हाँ, तो निरंकार, अगर निरंकार का मतलब होता है जिसका कोई आकार ना हो, यानी भगवान तो है पर उनको कोई आकार नहीं है, निरंकारी है ना। और जैसे कि एक और मुझे याद नहीं आ रहा, एक और संस्था है विच जो हाफ नॉलेज बताते हैं, ब्रह्म कुमारीज भी हाफ नॉलेज बताते हैं। इट इज, ये मैं ये नहीं कह रही कि ब्रह्म ज्योति नहीं होती, पर ब्रह्म ज्योति इज ओनली हाफ नॉलेज। ब्रह्म ज्योति के बाद वी गेट टू नो अबाउट द परमात्मा एंड देन वी फाइनली गेट टू नो दैट कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड। सो द टॉप मोस्ट इज हु हैव द कृष्णा रियलाइजेशन, भगवान रियलाइजेशन, ठीक है, ओके। सो उसके ऊपर भगवान बताते हैं, मोहित प्रभु जी, do you want to recite this? Yes, Mataji. Maya Vishimano Yamam Nitya Yukta Upasate Shadya Paryopotasate Mayukta Tamamata. Hari 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 Bol. Thank you so much, Mohit Prabhu ji. So here, Krishna is now answering the question of Arjun. Arjun ek bahut intelligent question pucha. क्योंकि कृष्णा ने अर्जुन को ना बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठे दे दी। अब अर्जुन इज लाइक ट्राइंग टू फाइंड आउट, अच्छा विच इज टॉप मोस्ट, कृष्णा हमने मुझे इतनी सारी इन्फॉर्मेशन दे दी पर मुझे बता दो कि टॉप मोस्ट क्या है, ठीक है। सो भुवनेश प्रभु जी, आप हिंदी इंग्लिश में से कोई पढ़ोगे बेटा? यस मैम। हां, द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हैड सेड, दोज हु फिक्स देयर माइंड्स ऑन माय पर्सनल फॉर्म एंड आर ऑलवेज एंगेज्ड इन वर्शिपिंग me with great and transcendental faith are considered by me to be most perfect. Perfect. Hari 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 Bol. So Krishna keh rahe hain ki those supreme personality of God is those who fix their minds on my personal form. Yani ki jo mere personal form, a personal form kaun sa hai Krishna ka? The Shyam Sundar form. Those who fix their mind on my personal form and are always engaged in worshipping me with great transcendental faith are considered by me to be the most perfect. Okay, so Kanha Mataji, aap hindi mein padh doge beta? आपकी आवाज नहीं आ रही। हाँ, yes, yes, go ahead. भगवान ने कहा, जो लोग अपने मन को मेरे साकार रूप में एकाग्र करते हैं और अत्यंत श्रद्धा पूर्वक पूजा करने में सदैव लगे रहते हैं वे मेरे द्वारा परम सिद्ध माने जाते हैं। हाँ, हरी बोल, हरी 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 बोल। तो भगवान कह रहे हैं कि वह लोग जो अपने मन को मेरे साकार रूप में एकाग्र करते हैं और अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरी पूजा करने में सदैव ऑलवेज लगे रहते हैं, वह मेरे द्वारा परम सिद्ध माने जाते हैं। ओके, पार्थ प्रभु जी, आप एक बार और पढ़ दोगे इंग्लिश या हिंदी में से कोई भी मीनिंग, एक बार और पढ़ दोगे बेटा? ये माता जी, द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हैड सेड, दोज हु फिक्स देयर माइंड्स ऑन माय पर्सनल फॉर्म एंड आर ऑलवेज एंगेज्ड इन वर्शिपिंग मी विद ग्रेट एंड ट्रांसेंडेंटल फेथ आर कंसीडर्ड बाय मी टू बी द मोस्ट perfect, perfect, to be the most perfect. Okay, okay, Hari Bol. Thank you so much, Parth Prabhuji. Can somebody read in Hindi one more time? Ananya Mataji, aap Hindi mein ek baar padh doge beta?
यस माता जी, श्री भगवान ने कहा जो लोग अपने मन को मेरे साकार रूप में एकाग्र करते हैं और अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरी पूजा करने में सदैव लगे रहते हैं वे मेरे द्वारा परम सिद्ध माने जाते हैं। हाँ यस, थैंक यू, थैंक यू अनन्य माता जी। सो कृष्णा इज बेसिकली नाउ आंसरिंग अर्जुन। कृष्णा स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर को दे रहे हैं कि माय डियर अर्जुन, वो लोग जो डिवोशनल सर्विस करते हैं वो टॉप मोस्ट है, जो अदर देन द वन जो मेरे को आकार रूप में नहीं, ब्रह्म ज्योति के रूप में मेरी प्रेयर करते हैं, मुझे में मेडिटेट करते हैं, वो टॉप मोस्ट नहीं है। टॉप मोस्ट कौन है? जो डिवोशनल सर्विस करते हैं और सदैव मेरे को सेंटर में रखकर सदैव अपना सारे कार्य करते हैं। सदैव मतलब ऑलवेज दे डू देयर वर्क बाय कीपिंग मी इन सेंटर, बाय रिमेम्बरिंग मी। ठीक है, सो डज दैट नॉलेज हेल्प? इट एक्चुअली हेल्प्स, इट हेल्प्स, क्योंकि कृष्णा खुद बोल रहे हैं कि जब हम अपना सारा कार्य भगवान को सेंटर में रखकर करते हैं, सो आर वर्क बिकम्स टॉप मोस्ट, सबसे ऊंचा हो जाता है। अच्छा, लेट मी आस्क यू समथिंग। सो मैंने स्टार्टिंग में आपसे पूछा था, आप लोग प्लांट्स में पानी देते हो कि वो मम्मा का काम है? आप लोग नहीं मैम, देते हैं। परफेक्ट। तो जब हम प्लांट्स में पानी डालते हैं तो पौधे के कौन से हिस्से में पानी डालते हैं? क्योंकि जब हम रूट्स में पानी डालते हैं तो वो पानी पूरे प्लांट्स को मिलता है ना। सो लेट्स से हमने रूट्स में नहीं पानी डाला, पर हम लीव्स पर मिट्टी लगी थी तो हमने लीव्स पर पानी डाल दिया, पर रूट्स में नहीं गया, तो कुछ दिन बाद क्या होगा प्लांट का? कुछ दिन तक तो वो प्लांट की लीव्स बहुत सुंदर सुंदर दिखेंगी, पर उसके बाद वो मुरझानी शुरू हो जाएंगी, ब्राउन होनी शुरू हो जाएंगी, क्योंकि उसको जड़ से पानी नहीं मिल रहा। राइट, सो हमारे पूरी लाइफ में कृष्णा इज द रूट। सो व्हेन वी डू आवर सर्विस टू द रूट, तो एवरीबॉडी अराउंड अस, वी आर एबल टू सर्व एवरीवन अराउंड अस। हम सोसाइटी को भी सर्व कर सकते हैं, हम अपनी फैमिली को भी सर्व कर सकते हैं, क्योंकि अ डिवोटी सीज एवरीवन एज हिज फ्रेंड। हमने कल के चैप्टर में पढ़ा था कि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो एक डिवोटी होता है वो सबको एक मित्रता के भाव में देखता है, उसको उसके सारे फ्रेंड्स, उसको कोई एनिमी नहीं है, उसके लिए एवरीवन इज इक्वल। सो ओनली व्हेन वी कंसिडर, वी कीप कृष्णा इन द सेंटर, देन वी विल बी एबल टू यू नो सी एवरीवन एज अ फ्रेंड एंड नोबडी एज एन एनिमी। हाँ हरि बोल, वेरी ब्यूटीफुल कृष्णा माता जी। हाँ यस यस, जो माता जी वेरी ब्यूटीफुल, कृष्णा माता जी वेरी ब्यूटीफुल। यस एब्सोल्युटली, हरि बोल रीति माता जी, वेरी ब्यूटीफुल, आपने कलरिंग कर लिया, वेरी वेरी ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर है। हरी हरी बोल। और ये तो दिस एक्चुअली लुक्स लाइक अ 3D ड्राइंग। और कृष्णा की चीक्स भी दिख रहे हैं, है ना, उनके नोज भी दिख रहे हैं, उनकी फिंगर्स भी ऐसे लगते हैं, उभरी भी दिख रही है, सो इट्स लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल। बिग 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 हरी बोल फेवरेट की माता जी। ओके, हाँ यस यस यस, आरव प्रभु जी वेरी ब्यूटीफुल, आई सॉ योर पिक्चर, बहुत सुंदर है, ऑल ऑफ यू आर रियली क्रिएटिव। सो कृष्णा सेज आई एम दी आर्ट ऑफ दी आर्टिस्ट, यू नो, मुझसे ही सब, जो आर्टिस्ट की आर्ट है ना वो मैं हूँ। सो वेरी ब्यूटीफुल माता जी, वेरी नाइस। हाँ जी, यस यस प्रभु जी, आपने नीला एकादशी रखी? हाँ यस यस, आई हैव केप्ट एकादशी, ऑल ऑफ यू। सो एकादशी का पर्पस ये होता है कि एकादशी वाले दिन हम अपनी जो डिवोशनल सर्विस को बढ़ा देते हैं। सो ऑल ऑफ यू, it doesn't for you because your children, you don't have to keep nirjala ekadashi. agar aap rakh sakte ho jitni der tak rakh sakte ho aap rakh sakte ho, aap rakho, uske baad agar aapko lage ki aapki body is getting tired, aapko sar mein dard ho raha hai, please do drink water. what is important is ki aaj ke din aap jitni bhi mala karte ho usko double kar do, theek hai? yes vrinda mata ji, aaj ke din nirjala ekadashi, ha yes, so agar aap din mein do mala karte ho to aaj char kar do, ek karte ho to do karo। ठीक है माता जी, मैंने 6 hours निर्जला व्रत रखा।
वेरी नाइस आरव प्रभु जी, वेरी नाइस। विद प्रभु जी ने भी पारा में रख रखी है। वेरी नाइस प्रभु जी, हरि हरि बोल, हरि बोल। विद प्रभु जी ने भी 12 बजे तक रखी थी, उसके बाद तभी टैंक वाटर। सो यस यस, हरि हरि बोल, परफेक्ट, वेरी नाइस। ओके, लेट मी आस्क यू वन मोर क्वेश्चन बिफोर वी गो ऑन टू द नेक्स्ट श्लोका। लेट्स से एक मैंगो का ट्री है, ठीक है? उस मैंगो के ट्री के ना एक ब्रांच है जिसके अंदर ना हरे हरे वो लगे आम, जो हरे छोटे कच्चे आम होते हैं ना वो लगे हुए, अंबिया। यस यस ऋषिका माता जी। सो लेट्स से अगर वो एक ब्रांच में ना 5-6 अंबिया लगी हुई है, अब वहां पर ना एक बॉय आता है, वो सोचता है अगर मैं ये अंबिया यही लगी रहेंगी तो जब भी आम हो जाएंगे ना तो कोई ना कोई तोड़कर ले जाएगा। तो मैं ऐसे करता हूँ, इस टहनी को काट देता हूँ और टहनी को अपने घर ले जाता हूँ। तो वो क्या करता है, वो टहनी को काट देता है, उसमें 5-6 अंबिया लगी है, वो अपने घर ले जाता है। अब क्या वो अंबिया जो है वो बड़े बड़े पके पके मीठे मीठे आम बनेंगे कि नहीं बनेंगे? नहीं बनेंगे। यस, क्योंकि नहीं बनेंगे, क्योंकि वो उसके उसको हमने उसके जड़ से काट दिया। इसी तरह जब हम हैप्पीनेस की सर्च में जब हम कृष्णा से कट जाते हैं तो हमें लगता है कि हमें हैप्पीनेस मिलेगी, पर हमें हैप्पीनेस नहीं मिलती, क्योंकि हम वी आर डिटैच फ्रॉम द रूट विच इज कृष्णा। ठीक है, ओके। सो दिस इज द श्लोका दैट वी विल बी लर्निंग टुडे। मोहित प्रभु जी, डू यू वांट टू रिसाइट द श्लोका? हरे कृष्णा मोहित प्रभु जी, आई थिंक मोहित प्रभु जी इज नॉट देयर। ओके ओके, लेट मी रिसाइट। मयि एव मान आधस्त्वा मयि बुद्धिं निवेशय, निःशिष्यासि मयि एव, एत उद्वं न संशय। सो वेरी नाइसली हाँ निशिका माता जी, लेट समबडी हु इज नॉट रेड, लेट्स गिव देम एन अपॉर्चुनिटी। ओके, इज इट फाइन निशिका माता जी? ठीक है, थैंक यू। एंड आई होप आपको बुरा नहीं लगता व्हेन आई से नो टू यू, सो सॉरी। ओके, दर्शिता माता जी, दर्शिता माता जी, डू यू वांट टू रीड इंग्लिश और हिंदी मीनिंग ऑफ दिस बेटा? और प्रिशा माता जी, ओके, आदित्य प्रभु जी ऑल्सो वॉन्टेड टू रीड। I am not able to see Adit Prabhuji. Aditi Mataji. Okay, go ahead, Aditi Mataji. Just fix your mind upon me, the Supreme Personality of Godhead, and engage all your intelligence in me. Thus you will in me always without a doubt. हाँ, very nice thing that Krishna is telling Arjun. बहुत ही important चीज बता रहे हैं। Prisha Mataji, do you want to read Hindi or English meaning for this? Yes, Mataji. हाँ, go ahead. Just fix your mind upon me, the Supreme Personality of Godhead, and engage all your intelligence in me. Thus you will live in me always without a doubt. Hari Hari Bol. Perfect. Kana Mataji, do you want to read Hindi meaning for this? I mean, कोई भी हिंदी इंग्लिश, या मुझ भगवान ने अपने माताजी आगे नहीं दिख रहा, अच्छा सॉरी हाँ वो लोगो आ गया एक्चुअली, इसको पंजाबी बाकी, लेट मी रिमूव दिस। अब दिख रहा बेटा? यस माताजी। ओके, गो अहेड। यस, मुझ भगवान में अपने चित्त को शिथिल करो और अपनी सारी बुद्धि मुझ में लगाओ, इस प्रकार तुम निस्संदेह मुझ में सदैव वास करोगे। हाँ, वेरी नाइस एंड वेरी ब्यूटीफुल थिंग दैट कृष्णा इज टेलिंग। ओके, लेट्स सी, तक्ष प्रभु जी और श्रेय माता जी, आप इंग्लिश और हिंदी में से कोई एक मीनिंग पढ़ोगे? डू यू वांट टू रीड? यस माता जी। हाँ, गो अहेड। Just fix your mind upon me, the Supreme Personality of Godhead, and engage all your intelligence in me. Thus, you will live in me always without doubt.
Perfect, perfect. Thanks, Shrobhi. Sorry, you can you also read, beta? मुझे भगवान में अपने चित को स्थित करो और अपने सारी बुद्धि मुझ में लगाओ, इस प्रकार तुम निसंदेह मुझसे सदैव पास हाँ यस वास करोगे. परफेक्ट, थैंक यू सो मच. सो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को क्या बोल रहे हैं? भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बोल रहे हैं कि फिक्स योर माइंड, यानी अपनी बुद्धि मुझ में लगाओ. किस में लगाओ? मेरे सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड, यानी कि मेरे श्याम सुंदर फॉर्म में लगाओ. ब्रह्म ज्योति में मत लगाओ, ये मत मेडिटेट मत करो किसी लाइट के ऊपर. एंड एंगेज ऑल योर इंटेलिजेंस इन मी, और अपनी बुद्धि यानी अपने इंटेलिजेंस में मुझ में लगाओ. अपने मन को लगाओ, माइंड को लगाओ, और अपनी इंटेलिजेंस यानी मन और बुद्धि दोनों मुझ में लगाओ. दस यू विल लिव इन मी ऑलवेज विदाउट डाउट, यानी कि इस तरह से निस्संदेह तुम सदैव मुझ में वास करोगे. Right? So Krishna is again and again, because ये chapter devotional service का है, तो Krishna अर्जुन को बार बार बताने की कोशिश करें कि what is devotional service. Devotional service का मतलब ये नहीं है कि आप अपना जो prescribed duties है उसको छोड़ दो. Right? That for example, for all of you, your prescribed duties is to study. So it doesn't mean आप अपनी पढ़ाई छोड़ दो and then you go and start only doing worshipping. That is not devotional service. क्योंकि Krishna कह रहे हैं अपना mind और intelligence दोनों लगाओ, बुद्धि को भी लगाओ, यानी कि जो भी आप कार्य कर रहे हो उसको भगवान के लिए करो. When you do studies, then also do studies thinking I am doing it for Krishna and I want to do my best. मैं अपनी जो पढ़ाई है वो सबसे बेस्ट करूंगा. और इस इच्छा से मत करना कि मैं नंबर वन क्लास में फर्स्ट आना चाहता हूँ या क्लास में फर्स्ट या सेकंड आना चाहती हूँ, इसे में नहीं करना. What result you will get, leave that to Krishna. But from your end, do your 100%. क्योंकि you do this as a service to Krishna. तो उसको as a devotional service, do your studies for Krishna. ठीक है? So इससे क्या होता है? When we understand this ना, अगर मैं अपने personally अपने बारे में सोचूं, जब मैं ये सोच का काम करती हूँ कि मैं भगवान के लिए काम कर रही हूँ, भगवान की प्रसन्नता के लिए काम करती हूँ, तो दो चीजें होती है. एक तो my work is good. Secondly, I don't get stressed कि मैंने जितना काम करा मुझे उतना उसका मुझे वापस में कुछ मिला कि नहीं मिला. यू नो, किसी ने मुझे appreciate नहीं करा, मुझे कोई reward नहीं मिला, मुझे कोई promotion नहीं मिली, let's say appraisal नहीं हुआ, मुझे पैसे नहीं मिले, क्योंकि I know that this work that I am doing is for the pleasure of Lord. और ये जो बाकी सारी चीजें हैं ना, appreciation, award, promotion, ये आ ही जाता है. These are by products. ये तो devotional service के पीछे पीछे भागते भागते आते हैं. You know, भगवान कहते हैं कि जो भगवान है ना, वो हमेशा अपने भक्तों को फेमस करने में लगे रहते हैं. जैसे एक फेमस एग्जाम्पल आता है माधवेंद्रपुरी का, और आज की हम स्टोरी में भी देखेंगे एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल. जो भगवान है ना, वो अपने भक्तों को सर्व करने की चांद वो ना मौके ढूंढते रहते हैं कि कैसे मैं अपने भक्त को सर्व करूं, कैसे मैं अपने भक्त की महिमा को बढ़ाऊं, औरों को बताऊं अपने भक्तों के बारे में. तो ये सब बाय प्रोडक्ट्स है, हमें इसके बारे में नहीं सोचना. व्हाट वी शुड सी, व्हाट वी शुड थिंक इज दैट हाउ कैन आई सर्व द लॉर्ड फुली इन माय इन प्राइस प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म ऑफ ड्यूटी, यानी जो मेरा कार्य है उसमें मैं भगवान को कैसे सर्व कर सकूं. ठीक है, ओके. उसके बाद भगवान कह रहे हैं ये तो धर्मामृत मिदम यथोकतम पर्युपासते श्रद्धान मत परमा भक्तस्ते तिव मे प्रिया. सो हियर व्हाट कृष्णा इज सेइंग, दैट यू कैन रीड. हां हां, यस यस, हु वांट्स टू रीड? कन्हा माता जी. हां, यस यस, गो अहेड बेटा. यस यस, सॉरी, डिड आई अनम्यूट यू? हां, आप रीड करो बेटा. दोज हु फॉलो दिस इंपेरिशेबल पाथ ऑफ डिवोशनल सर्विस एंड हु कंप्लीटली engage themselves with faith making me the supreme goal are very very dear to me. Ha, hari hari bol, hari hari bol. Kana Mataji, thank you so much. Sanvi Mataji, do you want to read the English or Hindi meaning for this? Vriti Mataji, do you want to read English? Ha, Sanvi Mataji, go ahead, and then Vriti Mataji can read. Sanvi Mataji, go ahead please. Jo is bhakti ke amar pad ka अनुसरण करते हैं और जो मुझे ही अपने चरण लक्ष्य बनाकर श्रद्धा सहित पूर्ण रूपण
संलग्न रहते हैं, वे भक्त मुझे अत्यधिक प्रिय हैं। प्रिय है, हरी हरी बोल, थैंक यू। आदित्य प्रभु जी, आप पढ़ोगे इंग्लिश हिंदी में से कुछ भी एक पढ़ोगे बेटा? यस मास्टर जी। हाँ। Those who follow this imperishable path of devotional service and who completely engage themselves with faith, making me the supreme goal, are very, very dear to me. हरी हरी बोल, थैंक यू सो मच आदित्य प्रभु जी। प्रीति माता जी, do you want to read English or Hindi, दोनों में से कोई एक बार और पढ़ोगे बेटा? Yes माता जी। हाँ yes। जो इस भक्ति के अमर पथ का अनुसरण करते हैं और जो मुझे ही अपने चरम लक्ष्य बनाकर श्रद्धा सहित पूर्ण रूप से संलग्न रहते हैं, वे भक्त मुझे अत्यंत प्रिय हैं। हाँ, परफेक्ट, थैंक यू सो मच। नाउ कृष्णा इज सेइंग कि वो कौन से डिवोटीज है जो मुझे अत्यंत ही प्रिय है, जो मिधु हूम आई लव सो मच, वो कौन है? दोज हु फॉलो दिस इम्पेरिशेबल पाथ ऑफ डिवोशनल सर्विस, यानी कि जो भक्ति के योग के जो रास्ता है उसमें जाते हैं। हु कंप्लीटली एंगेजेस देमसेल्फ विद फेथ, श्रद्धा के साथ पूरी तरह। हाँ जी बेटा। माता जी, कशिश माता जी वांट्स टू रीड। हाँ कशिश माता जी, प्लीज गो अहेड बेटा, गो अहेड रीड। Those who follow this imperishable path of devotional service and who completely engage themselves with faith, making me the supreme goal, are very, very dear to me. हाँ, perfect. Thank you so much, Kashish Mataji. So इसमें भगवान, thank you. हाँ, yes, Nishika Mataji, go ahead. Then I'll explain and then we'll move on to the story. There's a very beautiful story. Yes, go ahead, beta. Yes, ma'am. Those who follow this instruction, imperishable part of devotional service, and who completely engage themselves with faith, making me the supreme goal, are very, very dear. Yes, perfect. So Krishna कह रहे हैं कि वो भक्त जो भक्ति के पथ पर चलता है श्रद्धा के साथ, और क्या करता है, जो मुझे अपना परम लक्ष्य बनाता है। So the goal of a devotee is to please the Lord. The bhakt ka goal hota hai, wo ye hota hai ki bhagwan ke liye service karna aur bhagwan ko please karna aur bhagwan ke liye apne hriday mein prem utpann karna, right? Aur then he's saying he's very, very dear to me. That devotee is very, very dear to me. तो ऐसे डिवोटीज जैसे हम कह सकते हैं कि प्रहलाद महाराज वाज वन ऑफ सच डिवोटीज, शीला प्रभुपाद वाज वन ऑफ द डिवोटीज, हमारे इतने सारे आचार्य माधवेंद्रपुरी डिवोटी है। एक डिवोटी की कहानी आज माता जी आपको सुनाने वाली है, ऐसे डिवोटी जो बहुत श्रद्धा से भगवान की डिवोशनल सर्विस करता था और भगवान पर पूर्ण विश्वास रखता था, उसकी स्टोरी आज हम सुनेंगे। माधवेंद्रपुरी भी है, यस यस माधवेंद्रपुरी, लेकिन आज हम किसी और डिवोटी की स्टोरी सुनेंगे, दो ब्राह्मण की स्टोरी सुनेंगे, ठीक है? सो भगवान कहते हैं कि वी शुड हैव, इनडायरेक्टली कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं कि हमें पूर्ण फेथ होना चाहिए डिवोशनल सर्विस में, और हमारा गोल होना चाहिए कि भगवान को सेंटर में रखकर हम अपना सारा कार्य करें, ठीक है? क्योंकि अगर हम अपने आप को सेंटर में रखकर सारा कार्य करेंगे तो हम बन जाएंगे सेल्फिश, सेल्फ सेंटर्ड, हमारे में सारी बुरी क्वालिटीज आ जाएंगी। वी विल बी जेलस, वी विल बी फुल ऑफ प्राउड, वी विल बी सेल्फिश, वी विल बी एरोगेंट, वी विल बी फुल ऑफ एंगर। तो कोई ऐसे इंसान को पसंद करता है जिसमें गुस्सा हो, जिसमें घमंड हो, जिसमें ईर्ष्या हो? नहीं करता ना। तो ये सारी बुरी क्वालिटीज है, ये बुरी क्वालिटीज तब होती है जब हम अपने आप को सेंटर में रखकर कार्य करते हैं, लेकिन जब हम भगवान को सेंटर में रखकर कार्य करते हैं तो हमारे में सारी बुरी क्वालिटीज चली जाती हैं और अच्छी क्वालिटीज आ जाती हैं, ठीक है? सो हु वांट्स टू हैव गुड क्वालिटीज और हु वांट्स टू हैव बैड क्वालिटीज? आप लोग बुरी क्वालिटीज चाहते हैं कि अच्छी क्वालिटीज? यस, वी ऑल वांट टू हैव गुड क्वालिटीज, राइट? यस, ठीक है, परफेक्ट। So we'll listen to the beautiful story today. Uske baad ek activity hai. Theek hai? So Mataji will tell us this very beautiful story of two Brahmanas. Mataji, may I read? Haan, Mataji will narrate this story. So here, just listen and absorb ki kitni beautiful story hai. Usko suno aur imagine karo. Theek hai? Thank you, Mataji. Thank you. Hare Krishna. One was young and poor and other one was very old and rich. They visit Gaya Kashi
प्रयाग एंड मथुरा बिफोर कंक्लूडिंग इन वृंदावन. हरे हरे बोल. थैंक यू काशिन माता जी. सो नाउ माता जी विल टेल यू अबाउट दिस डिवोटी की कौन डिवोटी है, क्या क्या स्टोरी है, कि ब्राह्मण कहाँ गए थे, क्यों गए थे, किस लिए गए थे, उन्होंने क्या करा, वो सब माता जी अब आपको बताएंगे. ठीक है माता जी, गो अहेड. थैंक यू. थैंक यू माता जी. सो देयर वाज अ प्लेस कॉल्ड विद्यानगर एंड वहाँ के ये दोनों ब्राह्मण्स थे. वन वाज यंग एंड द अदर वन वाज पुअर, सॉरी ओल्ड. तो जो यंग ब्राह्मण थे वो बहुत ही पुअर थे एंड जो ओल्ड ब्राह्मण थे वो बहुत ही वेल्दी थे. एंड उन दोनों ब्राह्मण्स ने डिसाइड किया दे विल गो फॉर अ पिलग्रिमेज, मतलब वो तीर्थ यात्रा पे जाएंगे. दोनों ब्राह्मण्स मिलके तीर्थ यात्रा पर गए. पहले पहले वो कहाँ गए, वो गया गए, काशी गए, प्रयाग गए, मथुरा गए. एंड उसके बाद वो कहाँ पहुँचे दोनों ब्राह्मण, वो दोनों ब्राह्मण पहुँचे वृंदावन. एंड जब वो ब्राह्मण वृंदावन पहुँचे तो जो ओल्ड ब्राह्मण थे उन्होंने जो यंग ब्राह्मण थे उन्होंने जो ओल्ड ब्राह्मण थे उनका बहुत ध्यान रखा, उनकी बहुत सेवा करी इस पूरी तीर्थ यात्रा में. थ्रू आउट द पिलग्रिमेज जो ओल्ड ब्राह्मण थे वो जैसे बीमार हुए या कुछ हुए तो यंग ब्राह्मण ने उनकी बहुत सेवा करी. तो जब उन्होंने उनकी बहुत सेवा करी तो जो ओल्ड ब्राह्मण थे उन्होंने जो यंग ब्राह्मण थे, जो ओल्ड ब्राह्मण का आपको नाम से क्या था, ओल्ड ब्राह्मण का नाम था वेंकट भट्ट एंड जो यंग ब्राह्मण थे उनका नाम था माधव. तो जो ओल्ड ब्राह्मण थे उन्होंने जो माधव थे जो यंग ब्राह्मण थे उनको कहा कि आपने जो मेरी सेवा करी है ना ऐसी सेवा तो मेरे बेटे भी मुझे मेरी ना कर पाते. एंड मैं थ्रू आउट अपने जर्नी में, थ्रू आउट ये जो पिलग्रिमेज की जो मेरी यात्रा थी उसमें मैंने बिल्कुल भी टायर्ड नहीं हुआ. तो वो उनसे बहुत खुश थे और इतने खुश थे कि उन्होंने मतलब वो इतने आभारी थे. तो जो ओल्ड ब्राह्मण थे वो इतने ज़्यादा आभारी हो गए. उन्होंने जो यंग ब्राह्मण थे उनको कहा कि जो आपने मेरी इतनी सेवा करी है ना तो इन रिटर्न मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि मैं अपनी बेटी की शादी आपसे करूँगा. तो जो यंग ब्राह्मण होते हैं वो एकदम से ऐसे मतलब बिल्कुल ऐसे हो जाते हैं. वो कहते हैं नहीं नहीं मैं तो इसके लायक ही नहीं हूँ. मैं कहाँ, मैं इतना एक पुअर हूँ, आप भाई बिल्कुल भी एजुकेटेड नहीं हो, कोई एरिस्टोक्रेटिक नहीं हो, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मैं आपकी बेटी का ध्यान कैसे रखूँगा, आप तो इतने वेल्दी हो भाई और आपके पास सब कुछ है, मेरे पास एजुकेशन भी नहीं है, आप एजुकेटेड ब्राह्मण हो तो आप बहुत ही उच्च कुल के हो, मैं तो ऐसा हूँ ही नहीं. तो वो मतलब वो कहते हैं कि मैं बिल्कुल भी सूटेबल हस्बैंड नहीं हूँ आपकी डॉटर के लिए. और मैंने ये जो आपकी सेवा करी ना ये मैंने सिर्फ जो भगवान कृष्ण को सर्व करने के लिए, उनको प्लीज करने के लिए करी, क्योंकि वो इससे खुश होते हैं कि जब हम उनके डिवोटीज की उनके उसकी सेवा करते हैं. तो जब हम एक जब हम सर्व करते हैं किसी को तो कृष्णा प्लीज होते हैं. मैंने इस जो मेरा जो इंटेंशन थी मेरी वो थी, मैं प्लीज आप जो आप मुझे कह रहे हैं प्लीज आप, ये नहीं पॉसिबल होगा. तब भी जो ओल्ड ब्राह्मण होते हैं वो कहते हैं नहीं मैं तो अपनी बेटी की शादी आप ही से करूँगा. तो वो कहते हैं कि भाई आप ऐसा भी नहीं है कि आप अपनी बेटी अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स उनकी कंसेंट से ही शादी करेंगे ना. तो ब्राह्मण जिद पे होते हैं नहीं. तो जब वो वृंदावन में होते हैं तो वो एक टेम्पल होता है, गोपाल जी का टेम्पल होता है. तो गोपाल जी के टेम्पल के आगे ब्राह्मण और इन दोनों की ये कन्वर्सेशन चल रही होती है. तो जो यंग ब्राह्मण होता है तो फिर यंग ब्राह्मण कहते हैं कि अगर आप इतने ज़्यादा डिटरमाइंड है अपनी बेटी को मेरे से शादी करने के लिए तो आप जो ये कह रहे हैं ये आप जो गोपाल के डीटीज़ हैं उनके सामने कह रहे हैं और ये अब जो गोपाल के डीटीज़ हैं ये इस बात के विटनेस होंगे. तो भाई वो कहते हैं ठीक है. वो कहते हैं कि जो ओल्ड मैन होते हैं वो दोबारा ऐसे बोलते हैं कि डियर लॉर्ड भाई आप विटनेस हो दैट आई हैव मतलब मैं अपनी बेटी की शादी इस यंग ब्राह्मण से करूँगा. अब ऐसे ही यात्रा ख़त्म होती है. दोनों ब्राह्मण अपने अपने घर जाते हैं. ओल्ड ब्राह्मण अपनी फैमिली में जाता है. अब एक बार ही ओल्ड ब्राह्मण कहते हैं बहुत दिन बीत जाते हैं. ओल्ड ब्राह्मण कहते हैं कि आई मस्ट टेल भाई मुझे अपनी वाइफ को, अपने बच्चों को, रिलेटिव्स को ना जो मैंने प्रॉमिस किया है उसके बारे में मुझे उनको बताना चाहिए. जब वो उनको बताते हैं तो जो उनकी वाइफ होती है वो बिल्कुल ही ऐसे भाई बहुत ही गुस्से में ऐसे कहती है क्या
आप अपनी बेटी की शादी ऐसे यंग ऐसे ब्राह्मण से करोगे जो बहुत ही पुअर है, जो ऐसे है, जो एजुकेटेड नहीं है, जो उच्च कुल का नहीं है, मैं तो अपनी बेटी की शादी ऐसे ब्राह्मण से करूंगी नहीं, और अगर आपने ऐसे किया तो मैं सुसाइड कमिट कर लूंगी। और उनके जो बेटे होते हैं जब उसके बारे में बात करते हैं तो वो भी बहुत गुस्सा होते हैं, वो कहते हैं कि आपने ऐसे कैसे प्रॉमिस कर दिया, बिना हमसे कंसेंट लिए आपने कैसे प्रॉमिस कर दिया कि आप अपनी बेटी की शादी या मेरी सिस्टर की शादी ऐसे करोगे। और जब अब जो वो होते हैं, अब उनके बेटे कहते हैं कि अगर वो आए ब्राह्मण तो आप उनको कह देना कि भाई मेरे को तो कुछ भी याद नहीं है, मुझे कुछ याद नहीं है, मुझे कोई प्रॉमिस आप कोई याद नहीं है जो मैंने आपको प्रॉमिस किया है। अब क्या होता है कि जो फादर होते हैं, मतलब जो ओल्ड ब्राह्मण होते हैं, वो परेशान हो जाते हैं, वो ना भगवान के आगे प्रे करते हैं कि भाई आप ये जो आप प्लीज़ मेरी हेल्प करो ताकि मेरा जो प्रॉमिस है ना वो ब्रेक ना हो, वो ब्रेक ना हो। ऐसे दिन ऐसे बीतते हैं, तो एक दिन वो यंग ब्राह्मण आते हैं, वो जैसे जो ओल्ड ब्राह्मण होते हैं उनको ग्रीट करते हैं अपने, फिर जब वो हाथ जोड़ के शादी के बारे में बोलते हैं तो वो जैसे ही बोलते हैं तो उनका बेटा आता है जो यंग ओल्ड ब्राह्मण का, तो कहते हैं भाई वो गुस्से में होता है, वो कहते हैं कैसे तुमने सोच लिया कि ऐसे होगा, उनको घर से बाहर निकलने को कह देते हैं। तो अब जो होते हैं और वो जो ओल्ड ब्राह्मण होते हैं वो उन सबके जब ये सब हो रहा होता है वो बिल्कुल चुप होते हैं। अब यंग ब्राह्मण घर से बाहर जाते हैं और वहाँ के जो विलेज के पीपल हैं उनको पूरा गैदर कर लेते हैं, उनको बुला लेते हैं और फिर उनको कहते हैं कि हरे कृष्णा माता जी, सेवा राधिका माता जी, आपकी ना आवाज नहीं आ रही है। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा मत जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। हरे कृष्णा मात जी, आप रिसाइट कर दो स्टोरी आगे। हाँ, यस यस यस, लेट मी डू दैट। सो उसके बाद क्या होता है कि जो यंग ब्राह्मण होता है, यानी कि जो यंग वाला ब्राह्मण होता है, वो सारे विलेजर्स को इकट्ठा कर लेता है और वो उनको बोलता है कि देखो देखो ये जो ब्राह्मण है इन्होंने मुझे वचन दिया था भगवान के सामने, यू नो वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण के सामने इन्होंने मुझे वचन दिया था कि ये जब गाँव पहुंचेंगे तो ये अपनी बेटी का विवाह ऐसे करा देंगे। हरे कृष्ण माता जी, अब आ रही आवाज? हाँ, अच्छी आवाज आने की बन गई थी। हाँ जी हाँ, आप लोग तो अच्छे, सॉरी अब आ रही है, अब आ रही है। हाँ हाँ जी हाँ जी, तो मैंने कहा छोड़ा था वहां तक माता जी की, वो जो यंग ब्राह्मण है वो अपने विलेजर्स को इकट्ठा करता है और उनको बोलता है कि यू नो ऐसे ओल्ड ब्राह्मण ने। हाँ हाँ, अच्छा ठीक है ठीक है। तो जो यंग ब्राह्मण होते हैं फिर वो विलेजर्स को सारे गैदर करते हैं, उनको बताते हैं कि जो ओल्ड ब्राह्मण है उन्होंने भाई ऐसे ऐसे प्रॉमिस किया था, पर अब उनकी फैमिली का कंसेंट नहीं है, वो अपनी फैमिली के आगे कुछ भी नहीं बोल पा रहे हैं, तो आप प्लीज़ आप जो विलेजर्स हैं उनकी हेल्प मांगते हैं। तो विलेजर्स भी कहते हैं, पर वो उनको ये भी बताते हैं कि ये जो प्रॉमिस हुआ था ये गोपाल जी के आगे, गोपाल जी इसके विटनेस भी हैं। तो जब उनके आगे आते हैं ब्राह्मण आते हैं, तो फिर जो ब्राह्मण होते हैं, जो ओल्ड ब्राह्मण होते हैं ना, वो अपनी फैमिली के डर से ना उनके आगे भी बोल देते हैं कि भाई मेरे को ऐसा कुछ भी याद नहीं है, क्योंकि उनके बेटे ने उनको बोला होता है कि आप ऐसे ही बोलेंगे कि कुछ भी मुझे याद नहीं है। अब जो विलेजर्स भी होते हैं, अब वो भी सोचते हैं कि हम किस पे विश्वास करें, भाई यंग ब्राह्मण पे विश्वास करें या ओल्ड ब्राह्मण पे विश्वास करें। तो वो क्या करते हैं, जब उनको यंग ब्राह्मण ने कहा होता है कि इस पूरी जो हमारा प्रॉमिस जो हमने किया था, जो उन्होंने मुझे कहा था, उनके विटनेस गोपाल जी हैं, तो वो उनको कहते हैं कि आप गोपाल जी को ले आओ, मतलब आप गोपाल जी को, अगर गोपाल जी यहाँ पर विटनेस करने आ जाएंगे तो फिर मैं अपनी बेटी की शादी आपसे कर दूंगा।
अब अपना प्रॉमिस है गोपाल जी, अब क्या करते हैं, जो यंग ब्राह्मण होते हैं वो वृंदावन के लिए चलते हैं, वो वृंदावन के लिए जाते हैं। तो वृंदावन जाके वो गोपाल जी के टेंपल में जाते हैं, गोपाल जी के टेंपल में वो अपने प्रेयर्स ऑफर करते हैं, एंड ये जो पूरा एपिसोड हुआ होता है, जो पूरी स्टोरी होती है, वो गोपाल जी को बताते हैं। अब गोपाल जी को वो कहते हैं कि अब आप मेरे साथ चलो। अब गोपाल जी तो एक डीटी, अब गोपाल जी जब उनकी प्रेयर्स ऐसे सुनते हैं तो गोपाल जी उनको बोलते हैं कि आपने कभी सुना है कि कोई डीटीज ऐसे चल के जाते हैं, आपने कभी सुना है? तो जो माधव, जो यंग ब्राह्मण होते हैं, तो वो आगे से गोपाल जी को कहते हैं कि आप अगर आप ऐसे बोल सकते हो तो आप ऐसे चल भी सकते हो मेरे साथ। तो अब भगवान उनसे हार जाते हैं, भगवान उससे हार जाते हैं। अब वो कहते हैं कि ठीक है मैं आपके साथ चलता हूँ, पर वो फिर कुछ कंडीशंस रखते हैं। वो क्या कंडीशन रखते हैं कि मैं आपके पीछे पीछे चलूँगा, मैं आपके पीछे पीछे चलूँगा, और जहाँ पर आपने मुझे मुड़कर देखा मैं वहीं रुक जाऊँगा। क्या कहते हैं, मैं आपके पीछे पीछे चलूँगा पर जहाँ पर आपने मुझे मुड़कर देखा तो मैं वहीं रुक जाऊँगा। और जो जैसे आपको कैसे पता चलेगा कि मैं पीछे हूँ, आपको मेरी जो मैंने ये नीचे एंकल बेल्स जो घुंघरू या पायल पहनी होती है उसकी आवाज़ से पता चलेगा। तो गोपाल जो माधव होते हैं, जो यंग ब्राह्मण होते हैं, वो मान जाते हैं। ऐसे गोपाल जी उनके, माधव आगे आगे और गोपाल जी पीछे पीछे। अब जब वो विद्यानगर अपने विलेज के पास पहुंचने वाले होते हैं तो माधव को उनकी जो एंकल बेल्स हैं उनकी आवाज़ आनी बंद हो जाती है। अब वो थोड़े से हो जाते हैं कि भगवान पीछे हैं कि नहीं। तो अब वो क्या करते हैं कि वो पीछे मुड़कर देखते हैं। जैसे ही वो पीछे मुड़ के देखते हैं तो भगवान उनके पीछे होते हैं और वहीं पर ही रुक जाते हैं। फिर भगवान उनको कहते हैं कि भाई अब आप जाओ और वहाँ पर बुला कर लाओ, और मैं यहीं रहूँगा, मैं कहीं जाऊँगा नहीं। अब जो माधव होते हैं वो भाग कर विलेज में जाते हैं और सबको कहते हैं कि कौन आए हैं, भगवान आए हैं, गोपाल आए हैं। तो सब पूरा विलेज, ओल्ड ब्राह्मण, उनके बेटे, सब देखने आते हैं, उनको ऑफरिंग देते हैं, बिल्कुल एस्टोनिश, बिल्कुल शॉक्ड हो जाते हैं। एंड फिर वहाँ पर ओल्ड ब्राह्मण की बेटी की शादी भी गोपाल माधव के साथ होती है। एंड ये जो ये मतलब फिर उसके बाद जो वहाँ के ब्राह्मण्स होते हैं वो रिक्वेस्ट करते हैं कि आप इधर ही रहें, तो आज भी भगवान, आज भी गोपाल जी एज साक्षी गोपाल ओडिशा में जगन्नाथपुरी टेम्पल से पहले आज भी वहाँ पर रहते हैं। साक्षी गोपाल की जय। उन्होंने बहुत ही अच्छा टेम्पल गोपाल जी का, साक्षी गोपाल जी का टेम्पल बनाया है। आप में से नाम क्या था? मैंने देखा भी हूँ। हाँ राइट माता जी, मैंने भी देखा। वेरी नाइस, वेरी नाइस। मैं भी अभी लास्ट मंथ विजिट करके आई, बहुत ही अच्छे। माता जी बेस्ट। ओल्ड ब्राह्मण का नाम क्या था? माता जी ओल्ड ब्राह्मण का नाम था वेंकट भट्ट। ओके माता, वेंकट भट्ट उनका नाम था, एंड जो यंग ब्राह्मण थे उनका नाम था माधव। अनन्या आप अगर अपने आप को, आई थिंक आप कुछ कह रहे हैं एंड मुझे अनम्यूट करेंगे तो पता चलेगा। हरे कृष्ण। सो सॉरी माता जी, एक्चुअली यस यस। सो कितनी सुंदर स्टोरी है ना कि भगवान अपने भक्त के लिए साक्षी गोपाल, मतलब साक्षी विटनेस बनने के लिए वृंदावन से पीछे 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 उनके आकर उड़ीसा तक आ जाते हैं। सो इट इज वेरी वेरी ब्यूटीफुल स्टोरी। और ये जो साक्षी गोपाल का मंदिर है ये अभी भी उड़ीसा से थोड़ी सी दूरी पर है, इट इज स्टिल देयर। और एंड सो गोपाल जी देन इज नोन एज साक्षी गोपाल। साक्षी मतलब बिकॉज ही गेव विटनेस
तो इसलिए वो गोपाल से अब उनका नाम पड़ गया साक्षी गोपाल, है ना। इट इज सो अमेजिंग ना कि भगवान अपने भक्त के लिए कुछ भी करने के लिए रेडी होते हैं, कुछ भी, दे रेडी टू डू एनीथिंग फॉर दी फॉर हिज डिवोटीज। ओके, सो डिड यू लाइक दिस स्टोरी? यस माता जी। हां यस, परफेक्ट, हरि बोल। सो नाउ वी विल डू वन एक्टिविटी व्हिच इज रिलेटेड टू डिवोशनल सर्विस। उसके लिए ना मुझे कुछ नॉमिनेशंस चाहिए। सो हु वांट्स टू नॉमिनेट द नेम? Okay. So actually बहुत सारे hand raised है, so I'll take those names as nomination for the time being. ठीक है? अब activity क्या है कि आपको क्या करना है? हाँ, so वानी माताजी, वृंदा माताजी, शीतल माताजी, श्रेय माताजी, निशिका माताजी, कनम माताजी, आरव प्रभु जी, yes. Okay. अब हमें क्या करना है कि आप सब लोगों को एक कोई भी एक devotional activity एक्टिंग करके दिखाना है, मतलब कर दिखाना है कोई डिवोशनल एक्टिविटी, और बाकी सब लोग गेस करेंगे कि आप क्या डिवोशनल एक्टिविटी कर रहे हो। ठीक है, आपको बोलना नहीं है, पर यू हैव टू डू दैट डिवोशनल एक्टिविटी। आप प्रॉप्स यूज कर सकते हो उसके लिए, आप एक्चुअली में वो जैसे वो चीज कोई चीज लाकर दिखा सकते हो जिससे सब लोग गेस करेंगे। सो आई विल गिव इट 2 मिनट्स सो दैट यू कैन गेट रेडी, और 2-3 एक्टिविटीज रख लेना क्योंकि वी विल ट्राई नॉट टू रिपीट। ठीक है, तो हमने माता जी क्या करना है एक बार दोबारा रिपीट। हां यस यस, भुवनेश बाबू जी, आई विल एक्सप्लेन। सो पहले तो आपको जो कर रहा है उस नॉमिनेट कर रहा है उसको कैमरा ऑन करना पड़ेगा। तो हमें क्या करना है भुवनेश बाबू जी कि आई विल अनम्यूट वन बाय वन एक दो लोगों को, तो दे विल डू सम एक्टिंग, वो एक डिवोशनल सर्विस की एक्टिंग करेंगे, और आपको बताना है कि वो कौन सी डिवोशनल सर्विस की एक्टिंग कर रहे हैं। ठीक है, जैसे कि मैं किसी एक्टिंग कर सकते हैं। हाँ, किसकी एक्टिंग कर सकते हैं बेटा? किसी भक्त की, मतलब किसी डिवोटी की। हाँ, भक्त की, अभी भक्त की नहीं, अभी सिर्फ एक्टिव उसकी एक्टिंग, डिवोशनल सर्विस की एक्टिविटी एक्टिंग करनी है अभी हमें भक्त की। हाँ, निशिका मैडम, वन सेकेंड। हाँ, सो यू ऑल अंडरस्टूड, आप लोग सब लोग को समझ आ गया? यस माता जी। ठीक है, ओके, सो वी स्टार्ट विद वाणी माताजी। वाणी माताजी, यू रेडी? देन वी विल डू वृंदा माताजी, निशिका माताजी। ओके, सो लेट मी स्पॉटलाइट वाणी माताजी। हाँ, जस्ट डू वन एक्टिविटी, एक ही एक्टिविटी। ठीक है, सो मैं वाणी माताजी को वीडियो को स्पॉटलाइट कर रही हूँ, आप लोगों को आराम से देखना है कि वाणी माताजी क्या कर रही है, एंड देन यू हैव टू गेस कि वो क्या कर रहे हैं। ओके, Mataji, I think she is doing mala. Let's see. Chanting. Haribol. Perfect. Wonderful. Okay, Nishika Mataji, you want to go next? शीतल माताजी, डू यू वांट टू डू नेक्स्ट? आरव प्रभु जी, ओके, आरव प्रभु जी, गो अहेड, गुड, यू नेक्स्ट, डू नेक्स्ट एंड देन शी विल वन, ओके, गो अहेड। Reading Srila Prabhupada's books. Yes, perfect. Hari Hari Bol. Hari Bol Ara Prabhuji. Perfect. Very nice. Aditi Mataji, do you want to do next? Blowing conch shell. Yes, हम मंदिर में जब आप जाते हो ना, भगवान के जब दर्शन खुलते उससे पहले conch shell को blow करा जाता है। Very nice. Hari Bol Aditi Mataji. Hari Hari Bol. Very good. Perfect. So Sheetal Mataji, do you want to go next, beta? Yes, Mataji. Okay, okay. And then Shreya Mataji, okay.
I'm doing arti. Yes, doing arti. Yes. So hum ghanti bell bajate hain, and then we offer incense and flower, and then we offer diya, water to Krishna. Hari 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 bol. Very nice. Okay, yeah. Shreya Mataji. Yes, go ahead. Let me spotlight you for a moment. Doing kirtan. Yes, doing kirtan for the pleasure of the Lord. Hari 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 bol. Very nice. Perfect. Sukarkriti Mataji, you also want to do? Who wants to do next? Sukarkriti Mataji, are you ready? Yes, Mataji. Okay, let me spotlight you. Yes, Bhagwan ka shringar karna. Hari 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 bol. Very nice, Sukarkriti Mataji, and thank you so much for such beautiful darshan of the Lordship. Nitai Gauranga, God Nitai and Jagannath Baldev Subhadra and Flood to Gopal also. Hari Hari Bol. So beautiful. Such beautiful darshan of the Lord. And everybody was wearing this orange and pinkish. Yes, clothes. Matching, you know? Matching clothes. Very beautiful. Hari Bol. See, Bhagwan ke hath mein flower bhi hai. God Nitai ke ek hath mein flowers bhi hai aur ek hath mein mridanga bhi hai. Hari Bol, so nice. See, devotees, kitne pyar se, kitne detailed tarah se Bhagwan ki shringar pe kitna detailed tarah se karte. Jaise ki Aditi Mataji apne Krishna, sorry, Vanshi, Radha Vanshi dar ke liye ek chota sa mobile bhi lekar aaye. Mataji, may I also show darshan? Haan, yes, yes. Aur unke liye na slippers bhi lekar aaye hain, to bahut sundar hai. So Bhagwan ke liye bhi, you know, when we buy something, shopping jo karte hain na Bhagwan ke liye, that is also devotional service. Jab apne liye shopping karte hain, badminton bhi hai, badminton bhi hai, wow, carrom bhi hai, perfect. Jab hum apne liye shopping karte hain ye soch kar ki ye sundar si dress pehen kar main mandir jaungi, then that is devotional service. Theek hai, जब सोचते हैं कि अच्छा एक फेस्टिवल आने वाला है तो मैं एक बहुत सुंदर सी भगवान के लिए भी ड्रेस लूंगी और अपने लिए भी एक ड्रेस लूंगी और ये सुंदर सी ड्रेस लेकर पहनकर मैं जन्माष्टमी सेलिब्रेशन में मंदिर में जाऊंगी. सो दैट इज आल्सो व्हाट इट वाज कमिंग. सो आई हैव दिस प्रपोजल. आई विल बाय फॉर द लॉट लॉजिकल ऑफ दिस प्रपोजल. हां यस यस माताजी. हां जी बेटा. कनम अनन्या माताजी. हु 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 इज दैट? एनीबॉडी एल्स वांट्स टू ट्राई? कनम माताजी. ठीक है. Hare Krishna Mataji. Hare Krishna Aditi Mataji. Hari Bol. Let me show you beautiful darshan of Radha Vanshidhar. Hari Bol. Kite bhi hai. Kite bhi hai. Hari Bol. So beautiful. So Krishna ka naam hai Vanshidhar aur Radha Rani. So Radha Vanshidhar ki jai. I'm eating the mango. हाँ मैंगो खा रहे. हरे हरे हरी बोल. राधा रानी का नाम लाडो रानी है. लाडो रानी. हरी बोल. हरी हरी बोल. वेरी ब्यूटीफुल. थैंक यू सो मच अदिति माता जी. थैंक यू. सो हु वांट्स टू गो नेक्स्ट? हु इज रेडी? रीति माता जी, यू वांट टू ट्राई? ओके परफेक्ट. हाँ यस यू ऑल्सो प्रमाता जी. डेफिनेटली डेफिनेटली. सो आफ्टर रीति माता जी. ओके प्रसादम. प्रसादम. यस प्रसादम. परफेक्ट. महाप्रसादे गोविंदे. जो जब हम भगवान का प्रसादम, ईटिंग प्रसादम. यस जब हम भगवान का प्रसादम पाते दैट इज सर्विस, क्योंकि हम भगवान की मर्सी पा रहे हैं. तभी हम जब ये नहीं बोलते प्रसादम खा रहे हैं, बोलते पा रहे हैं. वी आर ऑनरिंग प्रसादम, है ना? वेरी नाइस. हरी हरी बोल. कनम माता जी, डू यू वांट टू गो नेक्स्ट? ओके लेट मी स्पॉट. आई एम डूइंग चैंटिंग. हाँ हरी बोल. आर पर्सनल टाइम विद कृष्णा. चैंटिंग इज आर पर्सनल टाइम विद कृष्णा. चैंटिंग इज जस्ट लाइक कि हमने कृष्णा को फोन उनके सेल पे डायरेक्ट कॉल करा है. यू नो दैट इज व्हाट इज चैंटिंग. कि वी आर पर्सनल, वी हैव अ पर्सनल कनेक्ट विद कृष्णा. हरी 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 बोल कनम माता जी. वेरी ब्यूटीफुल. वी आर टॉकिंग एंड कॉलिंग. हाँ एंड माता जी आपका बीट बैग बहुत सुंदर है, ब्लू एंड व्हाइट कलर का. हरी हरी बोल. वेरी ब्यूटीफुल. देखिए अगर हमें किसी से कॉन्टेक्ट करना होता है तो हम मोबाइल का यूज कर सकते हैं, बट कृष्ण जी से अगर हमें करना होता है तो हमें चैंटिंग करनी होती है. चैंटिंग करनी होती है. एब्सोल्युटली परफेक्ट आर प्रभु जी. परफेक्ट. हरी बोल. मेरे बीट बैग पे माता जी पिक्चर बनी है राधा कृष्ण की,
तो माता जी जब भी मेरा ध्यान भटकता है मैं उस पे ध्यान करने लग जाती हूँ। वेरी नाइस। और ध्यान भटकेगा ही भटकेगा, बिकॉज हम कलयुग में हमें उसको बार बार ना पकड़ कर लेकर आना पड़ता है। इट इज लाइक A small child, a monkey. किसे कहते हैं ना, माइंड इज लाइक अ मंकी। आपने एक बार बताया था, मेरा एक क्वेश्चन था कि जब हम लोग चैंटिंग करते हैं तो फिर अगर हम लोग को मतलब कि थॉट्स अच्छे नहीं आते, नेगेटिव थॉट्स आते हैं, कृष्णा जैसे हम लोग के घर में झाड़ू लगाते तो धूल निकलती, तो वैसे ही कृष्णा हम लोग के हार्ट में मतलब कि वो सफाई कर रहे हैं। और ऐसे होता है, ऐसे होता है। इनिशियली जब हम चैंटिंग करना शुरू करते हैं हमारे मन में बुरे बुरे थॉट्स आते हैं क्योंकि वो धूल उड़ रही होती है। हाँ जी बेटा, यस यस। टुमारो, हाँ टुमारो वी हैव द संडे स्कूल क्लास। अब गीता ज्ञान की क्लास नहीं है कल। माता जी, हाँ जी बेटा, यस करना माता जी। माता जी मैंने ना जगन्नाथ स्तोत्रम की फर्स्ट लाइन का बोर्ड बनाया है इस कॉन्टेस्टर के लिए। हरी हरी बोल, परफेक्ट। आप हमें इसकी फोटो खींच के भेजना, आप बहुत क्रिएटिव हो करना माता जी। हरी हरी बोल। तो ये भी सर्विस है, when we're doing some service for the temple, हम कुछ टेम्पल के लिए बोर्ड बना, जैसे आपको पता है जैसे इस्कॉन पंजाबी बाग का बाहर ना बोर्ड है तो उसको भी हरे कृष्ण संडे स्कूल के बच्चे डेकोरेट करते हैं, सो दैट इज ऑल्सो सर्विस, यू नो, मंदिर आकर उसको डेकोरेट करना। वेरी नाइस। हाँ एक्चुअली ना हर हर स्कॉन में संडे को संडे स्कूल की क्लासेस होती है। हाँ संडे फीस्ट भी होता है। यस संडे फीस्ट भी होता है। हाँ जी आरुण प्रभु जी, ये कल ऑनलाइन क्यों है? कल ऑनलाइन इसलिए क्योंकि बेटा आज वो निर्जला एकादशी है ना, तो इसलिए सबने डिसाइड करेंगे कल ऑनलाइन रखेंगे इसलिए। ओके कल हमारी भागवत नहीं, कल वो गीता ज्ञान वाली क्लास नहीं है, कल कल संडे स्कूल वाली क्लास है, गीता ज्ञान की नहीं है। संडे स्कूल वाली क्लास ऑनलाइन, कल ऑनलाइन क्लास है। हाँ यस यस। सो निर्जला रखे, हाँ यस 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 बेटा। हाँ जी भुवनेश प्रभु जी, डू यू वांट टू, माता जी मैं एक एक्टिविटी करूँ? हाँ प्लीज प्लीज, यस यस यस, लेट मी स्पॉटलाइट यू। हाँ वेरी ब्यूटीफुल, कैन यू गेस? मैंने गेस कर लिया। एकादशी फास्ट, एकादशी फास्टिंग। हरे हरे बोल भुवनेश प्रभु जी, वेरी क्रिएटिव थिंकिंग। यस एकादशी फास्टिंग। और चैतन्य महाप्रभु यूज्ड टू से, उन्होंने अपनी मदर को भी बोला था कि हे सची माता मैं आपको एक चीज बोलना चाहता हूँ कि आप एकादशी वाले दिन अन्न नहीं पाइएगा, तो उनकी माता ने बोला ओके आई विल एग्री टू दिस। सो एकादशी फास्टिंग, क्योंकि हम एकादशी का फास्ट करते हैं भगवान कृष्ण को प्लीज करने के लिए, फॉर द प्लेजर ऑफ द लॉर्ड, एंड ही गेट्स वेरी प्लीज्ड विद इट, राइट? सो और एकादशी के दिन हम कोशिश करते हैं कि हमारी जितनी भी सर्विस हो, हमारी रीडिंग चैंटिंग, वो ज्यादा हो, नॉर्मल डे से ज्यादा हो, ठीक है? सो वील हाँ एवरी मंथ ट्वाइस, दो बार आते हैं। हाँ जी बेटा, यस यस बेटा, कान्हा माता जी, ओके हरी हरी बोल, वेरी ब्यूटीफुल कान्हा माता जी। आपने ये लकड़ी के ऊपर बनाया ना, यू पेंटेड दिस ऑन, हाँ यस आपने बताया था, बहुत सुंदर लग रहा है, ऐसे लग ही नहीं रहा कि यू नो पेपर पे नहीं है, इट्स वेरी ब्यूटीफुल। हरी 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 बोल। सो दैट इज कृष्णास डिवोटी, दे यूटिलाइज एवरीथिंग, हाँ एवरीथिंग फॉर द सर्विस ऑफ लॉर्ड। इनफैक्ट श्रीला प्रभुपाद, एक बार क्या था, एक श्रीला प्रभुपाद की एक डिवोटी थे, वो ना उनको गैस चलानी थी, तो उन्होंने एक माचिस चलाई नहीं चली, दूसरी माचिस चलाई नहीं चली, ऐसे करना बहुत सारी माचिस उन्होंने ना वेस्ट कर रखी थी, तो गैस चली नहीं, तो श्रीला प्रभुपाद केम, उन्होंने माचिस की तीली ली, मतलब ऑब्वियसली बॉक्स के अंदर से ली, और उसको बहुत स्किलफुली ऐसे करा, वो जल गई और उन्होंने गैस जला दिया। तो श्रीला प्रभुपाद ने बोला कि एज अ डिवोटी वी डोंट वेस्ट एनीथिंग, क्योंकि हर चीज मदर नेचर से आती है, तो हमें कुछ भी वेस्ट नहीं करना चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी भी वेस्ट नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर हम इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट करेंगे तो वी विल बी एक्सप्लॉइटिंग द नेचर, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी आजकल तो कोयले से बनती है, और कोयला के लिए हमें अर्थ को डिग करना पड़ता है, और एक बार एक पॉइंट ऑफ टाइम पर आकर तो कोयला खत्म हो जाएगा ना,
है ना, तो इसलिए शिला प्रपाद जी पॉल्यूशन ऑल्सो शिला प्रपाद कहते थे हमें एज ए डिवोटी हमें कुछ भी वेस्ट नहीं करना चाहिए। एक बार एक और इंसिडेंट बताती हूँ, बहुत अच्छा है। एक बार शिला प्रभुपाद के की एक शिष्य ने उनकी मसाज करे थे ऑयल से, तो ऑयल की शीशी थी, तो उन्होंने क्या करा, ऑयल की शीशी में से तेल लिया और ऐसे जमीन पर रख दिया। तो शिला प्रभुपाद ने उनको बोला कि आप इस ऑयल को की शीशी पर ढक्कन लगा दो कहीं गिर जाएगा। तो उन्होंने बोला नो शिला प्रभुपाद, आई एम वॉचिंग इट, नहीं गिरेगा। तो उन्होंने ऑयल लगाया, फिर दोबारा ऑयल लिया, फिर नीचे रखा, और फिर क्या हुआ कि वो ना गिर गया, एक्चुअली में गिर गया वो, और वो गिर गई जो बॉटल गिर गई तो सारा ऑयल बाहर निकल गया। एंड शिला प्रभुपाद वॉज लाइक सी आई टोल्ड यू, उसकी उसकी बॉटल को बंद कर दो क्योंकि ऐसे ऑयल वेस्ट हो जाएगा। देन शिला प्रभुपाद सेड आप जाओ, ये सारा जो ऑयल जमीन पे गिरा है इसको उठाओ, कटोरी में इकट्ठा करो, अब ये गिरे हुए ऑयल से मेरी मालिश करो, बिकॉज आई डोंट वॉन्ट कि कोई भी चीज वेस्ट हो। इन डिवोशन एज अ डिवोटी वी शुड नॉट एक्सप्लॉइट एनीथिंग, हमें कोई भी चीज वेस्ट नहीं करनी चाहिए क्योंकि हमें वी शुड बी थैंकफुल। हाथ से उठाकर उसको उसमें डाला होगा। और एज अ जब शिला प्रभुपाद बहुत छोटे से थे ना, तो वो हर एक चीज के लिए भगवान को थैंक करते थे। जैसे जब उनके फादर ने उनको सिखाया था कि जब हम प्रसादम पाते हैं, जब हम चावल पाते हैं, तो उस चावल भी हमें भगवान देते हैं। तो वो जब 4 इयर्स के थे, 5 इयर्स के थे, तब भी वो प्रसादम चावल खाने से पहले भगवान को बोलते थे थैंक यू कृष्णा, आपने मेरे लिए इतने अच्छे चावल दिए आपने मेरे को। और जब वो छोटे थे, उनसे वो जो पतंग है ना उड़ती नहीं थी ना, तो बोलते थे हे कृष्णा मेरी पतंग उड़ा दो, प्लीज मेरी पतंग उड़ा दो। सो दैट इज एग्जैक्टली हाउ वी शुड बी कम्प्लीटली डिपेंडेंट ऑन कृष्ण। हमारी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम है, मटीरियलिस्टिक स्पिरिचुअल, वी शुड ऑलवेज लुक अप टू कृष्णा एंड से हे कृष्णा जस्ट सरेंडर कम्प्लीटली, प्लीज हेल्प अस, आई एम योर सरेंडर डिवोटी, प्लीज हेल्प अस एंड कृष्णा विल हेल्प अस। माता जी फिर उनकी पतंग उड़ी थी। हाँ यस यस उड़ी थी। शिला प्रभुपाद से बहुत है मैम। हाँ यस वी हैव टू लर्न द श्लोका एंड वी आल्सो हैव टू डू द क्लोजिंग प्रेयर बिकॉज़ हाँ यस वी विल डू द क्लोजिंग प्रेयर बिकॉज़ आई थिंक लेट हो गया, समबडी वांट्स टू गो एंड देन वी क्विकली डू द श्लोका। माता जी होमवर्क क्या है आज का? होमवर्क यस थैंक यू भुवनेश्वर जी, मैं बताया जी आज के होमवर्क है कि हमें ना कृष्ण बलराम की डॉल्स बनानी है। ये डॉल्स हमें क्ले विद द हेल्प ऑफ क्ले। हाँ तो ये अगर आपके पास मार्केट वाली क्ले नहीं है तो इसके घर में हम आपको एक वीडियो भेजेंगे कि आटे से कैसे क्ले बनानी है, तो उससे भी आप डॉल्स बना सकते हो। नहीं तो आप क्या कर सकते हो, अपनी ड्रॉइंग बुक में ड्रॉ भी कर सकते हो, ठीक है? अगर क्ले से नहीं बन रहा तो आप ड्राइंग बुक से ड्रॉ कर सकते हो यू नो कृष्ण बलराम की डॉल। और उस ड्राइंग में आप ना ये जैसे कि वो टूथपिक होता है ना लकड़ी वाला टूथपिक, उससे आप बांसुरी बना सकते हो और एक एक बलराम जी का वो बना सकते हो, हल बना सकते हो, मैच बॉक्स से भी बना सकते हो। यस मैच स्टिक से भी बना सकते हो। हाँ यस हाँ जी बेटा। तो आज और कल हम हमारे 2 दिन का यही होमवर्क है कि हमें कृष्ण बलराम की डॉल्स बनानी है। अगर फर्स्ट प्रेफरेंस है कि क्ले से बनाना, और अगर आपके पास मार्केट वाली क्ले नहीं है तो मैं आपको वीडियो भेज दूंगी कि आटे से कैसे क्ले बनती है। बहुत सिंपल है। बनानी थी मतलब हमें होली होमवर्क मिला था कि हमें गणेश जी की मूर्ति बनानी है क्ले से। yes. तो माता जी हमारी मैम ने एक वीडियो भी शेयर की थी। हाँ. उसमें मेथड लिखा हुआ था। थी वो। हाँ हाँ और पहले के टाइम पे ये क्ले तो होती नहीं थी, जो आप लोग के पास अभी क्ले तो हमारे टाइम पे क्ले तो नहीं होती, तो हम आटे से क्ले बनाते थे। आटे की क्ले में वो ऑयल भी डलता है। आई विल टेल यू हाउ टू मेक इट, मैं आपको वीडियो भेजूंगी, उससे बनाना फिर क्ले, ठीक है? सो वी विल डू द प्रेयर्स टुगेदर, देन वी विल लर्न द श्लोका। ओके ma'am, can I do the prayer? All of us, let's do it together. Okay? Ekam Shastram Devaki Putra Gitam Eko Devo Devaki Putra Eva Eko Mantrasya Namami Yani Karma Pyarita Ekasya Devasya Seva Hari Bol. Before we can we Just one thing before we read, learn the shloka and read the meaning also. Today is Vriti Mataji's birthday, so let us all sing together for Vriti Mataji.
and wish Riti Mataji lots and lots of you know, happiness, and so that she could serve in Srila Prabhupada's mission and become a big devotee. Mataji, and aaj Nirjala Ekadashi bhi hai na? Aaj Nirjala Ekadashi bhi hai aur aaj Riti Mataji ka birthday bhi hai. Hari bol. Yes. So all of us can sing together. Hare Krishna to you. Hare Krishna to you. Krishna Krishna Hare Hare to you. Hare Rama to you. Hare Rama to you. Rama Rama to you. Hare 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 to you. May you go back to Bogart Head. May you never go back to Bogart Head. Yes. Hare Krishna. Hare Krishna. Krishna Krishna to you. Hare Bol, wish you a very, very, very happy Krishna conscious birthday, Vriti Mataji. And on your most special day, I pray to Radha Radhika Raman that they bless you with lots of happiness, good health, and they always keep you in the shelter of their lotus feet. And they give you lots and lots of service. Taki aapko bahut bahut service karne ka mauka mile. Aur so much of happiness. Yes, yes, yes. And you go back to Godhead. So we can all wish Riti Mataji very, very happy Krishna conscious birthday. Thank you, Mataji. Thank you. Ha, yes, yes. Actually, ha. Okay. So we'll quickly learn the shloka. It's a very beautiful shloka. So we'll. Oops, oops. हाँ जी बेटा, यस यस कान्हा माता जी, कान्हा माता जी आप कुछ कह रहे हो बेटा? Okay, so shall we do the shloka? Yes, Father. Okay. Yes, Mother. Mayeva manadhatsva. Mayeva manadhatsva. हाँ ठीक है, थोड़ा सा different meter में तो एक-एक करके कहते हैं. Mayeva. Mayeva. Manadhatsva. Manadhatsva. Perfect. Mai eva manadhatsva. Mai eva manadhatsva. Mai buddhim niveshaya. Mai buddhim niveshaya. Mai buddhim Niveshaya. Perfect. I'm first two lines ko bolenge. Mai eva manadhatsva. Mai eva manadhatsva. Mai buddhim niveshaya. Mai buddhim niveshaya. Niv Sishyasi. Mai eva. Mai eva. Niv Sishyasi. Mai eva. Niv Sishyasi. Niv Sishyasi. Mai eva. Niv Sishyasi. Mai eva. Very good. Ata udharvam. Ata udharvam. Ata urdhavam. Ata urdhavam. Ata urdhavam.
संशय ओके अब पूरा करते हैं ठीक है मई एव मनाधस्व मई बुद्धि निवेशय निवशिष्यासि मई एव अत ऊर्ध्वं न संशय Hari 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 Bol. Perfect. Okay. Do you want to recite? This one is a little tricky. So don't worry. Agar ek bari mein nahi samajh aayega, it is okay. But give it a try. Okay? Mataji may I read? Okay. So Bhuvnesh Prabhuji, you can read and then Sheetal Mataji and then Preeti Mataji. Go ahead with Bhuvnesh Prabhuji. Yes. Okay. Mai eva mana adhasva mai buddhim niveshaya निवास्यासि मयि एव अत ऊर्ध्वं न संशय हरि 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 बोल परफेक्ट यू गॉट इट इन फर्स्ट गो हरि हरि बोल वेरी नाइस भुवनेश प्रभु जी परफेक्ट थैंक यू माता जी थैंक यू सो शीतल माता जी वांट टू गो नेक्स्ट बेटा यस माता जी मयि एव मनाधस्य मयि बुद्धिं निवेशय निवशिष्यसि मयि एव अंत उद्वम न संशय परफेक्ट हरि 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 बोल शीतल माता जी परफेक्टली रिसाइटेड बिग बिग हरि बोल फॉर यू थैंक यू कन्हा माता जी डू यू वांट टू ट्राई नेक्स्ट Start from again. I think एक line miss हो गई. एक बार दोबारा बोलना कन्हा माता जी. You were reciting very nicely. मै एव मन अध्वस्यः मै बुद्धिं निवेशय शिष्यासि शिष्यासि जैसे शिष्य होते ना वैसे हाँ निवशिष्यासि मयि एव निवशिष्यासि मयि एव अत ऊर्ध्वं न संशय संशय हाँ हरि 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 बोल हरि बोल यस यस निष्का माता जी गो अहेड बेटा Yes, go ahead, Nishika Mata ji. Do you want to try with me? Yes, Mama. Ha, it is difficult. Okay. Mai eva. Mai eva. Manadhastva. Manadhastva. Mai buddhim. Mai buddhim. Very good. Niveshaya. Niveshaya. Perfect. Nivshishyasi. Nivshishyasi. Mai eva. Mai eva. Very nice. At urdhavam. At urdhayam. Na samshaya. Na samshaya. Very nice. Hari 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 Bol Nishika Mataji. Very nicely recited. Big, 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 big Hari Bol for you. Ha, yes, beta. Yes, yes. Go ahead. Yes, Mataji. Mataji, can I? Ha, after that, pakka. All of you will get a chance. Don't worry. Go ahead, Vani Mataji. Mai eva manadhatsva mai buddhim niveshaya nivashyasi mai eva अता ऊर्ध्वं न संशय हरि हरि बोल वाणी माता जी परफेक्ट परफेक्ट रिसाइटेशन वेरी क्लियर प्रोनाउंसिएशन माता जी मे आई नेक्स्ट बिग बिग हरि बोल हां यस कशिश माता जी यू कैन गो नेक्स्ट
मयि एव मना अधत्वा मयि बुद्धिं निनिवेशय निवासयसि मयि एव अतः उद्रम न संशय. Perfect. Hari Hari Bol Kashir Mataji. Perfect recitation. Very nicely recited. Mataji, can I? Hi, yes, you can, Kriti Mataji. And there's one more Kashir Mataji. So after that, the other Kashir Mataji can do. Yes, Sukar Kriti Mataji, go ahead. Mai eva mana dhatsva mai buddhim niveshaya nivsishyasi maya eva at urdhavam nasamshaya. Hari 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 Bol. It's very nicely recited, Sukar Kriti Mataji. And very clear pronunciation of the words. It's big, 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 big Hari Bol. Thank you. Hi, yes, Kashish Mataji. Please go ahead. Yes. Maye if mana gasvatva mai buddhim niveshasya navishasyasi mai eva ata urdhvam na samshasya. Perfect. Hari 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 Bol Kashish Mataji. Very nicely reciting. Big, 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 big Hari Bol for you. Thank you. Hi, Yashri Mataji. Please go ahead. Yes. Mai eva manadhatva mai buddhim niveshaya nivshishyasi maya eva adhavam nasamshaya. Perfect. Hari 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 Bol Shri Mataji. Perfect recitation. Clear words. Very nice. Big, big, big Hari Bol for you. Mataji, can I recite? Hi, yes, yes. Vrinda Mataji, please go ahead. Yes. Yes, Mataji. Maye va manadatsva mai buddhim niveshaya nivasishyasi maye va atuvam nasanshaya. Perfect. Perfect recitation and very sweetly recited. So though this is a very difficult shloka and it has difficult words, but very, you know, effortlessly recited by you. Big, big, big Hari Bol for you, Vrinda Mataji. Thank you, Mataji. Thank you. Parth Prabhuji, do you want to recite next? Yes, Mataji. Sure. Mai eva manadasva mai muddhim niveshaya niveshasi maya eva ata udharvana sanshaya. Perfect. Hari 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 Bol Parth Prabhuji. Perfectly recited. Very nice. Vriti Mataji, do you want to recite next? Yes, Mataji. Mai eva mana atva. Mataji, can I recite before you? Sure. Mai eva mana dhatsva. Mai eva mana dhatsva. Mai buddhim niveshaya. Mai buddhim niveshaya. Nivsishyasi mai eva. Nivsishyasi mai eva. Ata urdhavam na samshaya. Ata urdhavam na samshaya. Perfect. Hari 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 Bol Vriti Mataji. Perfectly recited. Big, big Hari Bol for you. Thank you. So who is left? Anshuman Prabhuji is left. And I don't know, Anshuman Prabhuji is there. Have a Gauranga Day, Mataji. Hare Krishna, have a Gauranga Day, Beta. Sanvi Mataji and Anshuman Prabhuji, do you want to try? Aishman Prabhuji. Sorry, Aishman Prabhuji, aap try karoge, Beta? Yes, ma'am. Mai eva man adatsava mai buddhi nivesaya nivsisyasi mai eva at udharvana sansaya. Hari Hari Bol Aishman Prabhuji. Very nicely recited. Perfect recitation. Thank you, ma'am. Words were very clear. So Hari Bol, big, big Hari Bol for you. Perfect. Sanvi Mataji, do you want to give it a try? Aap mere saath karoge recite? Haan, Mataji. Haan, theek hai. Mai eva manadhatsva. Mai eva manadhatsva. Mai buddhim niveshaya. Mai buddhim niveshaya. Nivsishyasi mai eva. Nivsishyasi mai eva. At urdhavam na samshaya. At urdhavam na samshaya. Actually, with a dot and a murky dot. Samshaya. Yes, perfect. Hari Hari Bol Sanvi Mataji.
your pronunciation of the words are very clear. मतलब perfect clarity आपके word pronunciation है. So big 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 hari bol for you. हाँ जी यशय माता जी. माता जी मैंने ना काफी सारी ऐसी activities है जो कि बना ली है but मतलब मैं भेज नहीं पाई हूँ तो मैं आज आपको शुरू से लेके आज तक सारी भेज सकती हूँ. हाँ yes आज और कल आपके पास दो दिन का time है आप आराम से भेज सकते हो don't worry. ठीक है okay so we'll end our class today. Because it's we already overdoneing and we'll meet on Monday. So kal tomorrow there is no class and Monday we will do chapter 30. ठीक है so आज और कल का homework ये है कि आपको क्या बनाना है. इनफैक्ट मंडे का भी सेम होमवर्क है कि हमें राधा कृष्ण की डॉल्स बनानी है. अगर क्ले से बना सकते हैं देन वंडरफुल, नहीं तो हम ड्रॉइंग में भी अगर हम 3D इफेक्ट की जैसे बना सके देन दैट विल बी वंडरफुल. ठीक है माता जी राधा कृष्ण बनाने हैं या कृष्ण बलराम. हाँ कृष्ण बलराम सॉरी हाँ कृष्ण बलराम बनाने हैं. कृष्ण बलराम बनाने हैं. ठीक है तो कृष्ण की हम बांसुरी लगा सकते हैं और बलराम जी का हल लगा सकते हैं साथ में. ठीक है ऑल राइट. हरे कृष्ण माता जी हैव अ गौरांग डे. हरे कृष्ण हैव अ गौरांग डे. हरे कृष्ण माता जी. हरे कृष्ण.